Good afternoon, guys. Just doing a quick mic check. I hope you all can see my screen and hear me and see me. एक बार कोई कंफर्म कर दो चैट में प्लीज, और यू कैन अनम्यूट एंड एक्नॉलेज एज वेल। प्रॉपरली सुनाई दे रहा सर और स्क्रीन भी शेयर हो रहा ग्रेट, है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अबे जी, यू हैव बीन हियर फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक लास्ट क्लास आल्सो यू आर हियर अर्ली। थैंक यू सो मच। यस सर, ओके। सो गाइज, विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है ना? थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं, एनी एनी थिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी रिगार्डिंग यू नो डेटा और एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर, यू कैन गो अहेड। आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन आंसर, आई विल आंसर और एल्स आई विल गेट बैक टू यू। सर जी सर, एक्चुअली मुझे आपसे एक कंफर्मेशन चाहिए था, लाइक पूछना था कि क्या कोई ऐसी शीट भी है जिसमें सर ऐसा हो कि कोई पर्टिकुलर सेल, लाइक एक पर्टिकुलर सेल जैसे अपडेट होता है तो एक मेल फ्लो होना चाहिए, लाइक ऐसा सर कोई शीट है क्या, कोई लाइक है सो क्या यू आर इन कुछ? द राइट, यू आर इन द राइट वर्कशॉप। आई विल शो यू समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट टुडे। ओके ओके ओके, सो आई विल शो ओके यू समथिंग थ्रू व्हिच यू विल बी एबल टू डू दैट। इट्स कॉल्ड येट अनदर मेल मर्ज। ओके, देयर इज एन ओके ऑप्शन कॉल्ड वेट फॉर यू नो दिस पर्टिकुलर कॉलम टू गेट फिल्ड, ठीक है, इन येट अनदर मेल मर्ज। उसमें क्या होता है कि जब भी मतलब एक वो हर एक रो को देखता है, ठीक हाँ है, यस सर हर एक रो में एक पर्टिकुलर कॉलम में जब डेटा आ जाता है, जी फिर रोज का वैल्यूज को उठा के, जैसे फॉर्मूल होता है, हाँ वैल्यूज को यस उठा सर के वो मेल बना के आगे वो भेज देगा। ओके हाँ सर, यही चाहिए था एक्चुअली। आप और ये चीज आप इसमें भी कर सकते हो, फॉर्मूल से भी कर सकते हो, इफ यू नो हाउ टू यूज एरे फॉर्मूलास, ठीक है ना, आप उसमें कर सकते हो। या फिर एरे का भी जरूरत नहीं है, आप अगर आप नॉर्मल कंडीशन यूज करोगे फॉर्मूल में, ओके सो यू कैन से समथिंग लाइक लेट्स से अप्रूव, ठीक है, द अप्रूव कॉलम इज नॉट नल, ठीक नॉर्मल है। ओके तो जैसे ही अप्रूव कॉलम में अगर येस और नो आ जाता है, उसके हिसाब से इट विल क्रिएट द राइट काइंड ऑफ टेम्पलेट एंड इट विल सेंड इट आउट। बट सर एक कंडीशन इसमें ये भी है कि सर मुझे फॉर्म के थ्रू डेटा नहीं चाहिए, वो शीट में ही अपडेट पर्सन कर रहा है, फॉर्म के थ्रू नहीं आना चाहिए। वो भी जनरली सोच देखिए, अगर वो शीट से हो रहा है तो यस सर फॉर्मूल में आप एक काम कीजिए, एक और ऑप्शन है फॉर्मूल ट्रिगर करने के लिए ना, दो ऑप्शन होते हैं, वन इज ऑन फॉर्म सबमिट एंड द टाइम अदर वन इज ट्रिगर, अ टाइम ट्रिगर। तो यस आप सर टाइम ट्रिगर यूज कर लो। टाइम ट्रिगर हमने भी अभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ सर ये एक ऑप्शन हो हाँ, हो सकता है। जाएगा ना। एवरी एवरी 10 मिनट्स इफ इट रन, आई एम नॉट श्योर वॉट इज द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन फॉर्मूल, आई थिंक इट्स 1 आवर, बट ओके अगर 10 मिनट्स ना हो, अगर 1 आवर है, तो एवरी 1 आवर इट विल यू नो पिक अप ऑल द ईमेल्स, ऑल द रोज वेर एवर इट इज सपोज टू यू नो डू एनी एक्शन एंड इट विल सेंड इट आउट। बट सर वो रिपीट नहीं हो जाएंगे मेल, ऐसा रिपीट नहीं भी होंगे ना, हर एक रो में एक ही बार भेजता है वो, और एक बार भेजने के बाद वो एक कॉलम रहता है उनका, ठीक है, यस दैट इज सर बेसिकली द लेजर ऑफ द फॉर्म्यूल। उसमें ओके वो आपको और अपने लिए भी हाँ हाँ लिख वो देता है डेटा कि कलेक्ट करता दिस रहता टाइम है। दिस टाइम दिस मेल वाज सेंट फ्रॉम दिस आईडी टू दिस आईडी एंड सीसी ब्ला ब्ला। यस यस सर यस तो सर एक बार जब जब तक वो टेक्स्ट रहेगा उस रो के लिए वो नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उस रो के लिए भी फिर से जाए, यू कैन डिलीट दैट टेक्स्ट एंड विल गो अगेन। सो ओ सर वी विल डू दिस अगेन, वी विल डू दिस टुडे। ओके ओके श्योर। सर ओके थैंक यू सर। सो गाइज, आई थिंक विल स्टार्ट एट 2:35। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्यू मोर पीपल टुडे। We just have 8 people right now. I hope all of you got the WhatsApp from our side reminding you about this. आप सबको WhatsApp मिला ना? यस सर गुड आफ्टरनून विनय।
गाइस प्लीज कंफर्म इफ यू गॉट अ व्हाट्सएप और नॉट यस सर, फॉर द ग्रुप में इनवाइट। आया हुआ है। ग्रुप में नहीं, आपको इंडिविजुअली आया, किसी को इंडिविजुअली आया? ग्रुप में तो मैंने भेजा है, डीएमई ग्रुप में तो मैंने भेजा है। एक इंडिविजुअली सर सेकेंड, मेल आया था बट व्हाट्सएप नहीं आया। मैं एक बात चेक कर। ओके सर, मनीषी से ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक टू बी फेयर वी शुड स्टार्ट नाउ। वी हैव आई थिंक वेटेड दिस थिंग एनफ, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। आई वुड स्टार्ट विथ अ लिटिल गूगल फॉर्म सो दैट यू नो आई नो ऑल ऑफ यू टुडे। ठीक है, ये गूगल फॉर्म में बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, यू नो जस्ट बेसिकली यू नो मुझे पता चलेगा ये कि यू नो हाउ मेनी ऑफ यू यू नो want me to speak in either Hindi or English or maybe both, and also just for me to know ki if you have already used any add-ons in the past or not. Theek hai, so basically just to know the details. Yes, sure. So the form link is coming right up on your chat. Putting the form link in the chat now, you can use that form link. So kindly fill this form up. I can also quickly maybe at some point of time explain how I created this form. You will see that those of you who are clicking on yes will be taken to a different section. Those of you who will click no will be basically asked to submit the form. So how I have done that, last MIS class we had you know shown you. However, this today also we can show you. There were a couple of people having issues who were unable to join. I hope they are here. Okay, so there is a fight between English and Hindi as of now. So somebody from here has never used an add-on. Great. So I can assure you, those of you who have not used Form Ranger, your productivity is going to jump at least by, I would say, 30 to 50%. ठीक है ना? आज का वर्कशॉप जो जो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से करोगे, I can assure you, productivity will jump at least 30 to 50%. Form add-ons are actually that important. Form mobile में खुल नहीं रहा है, खुल जाना चाहिए. Can somebody else try and tell me? If this form is opening on phone, this form should open everywhere actually.
मैं एक बार फॉर्म का सेटिंग्स भी ट्राई कर लेता हूँ, एक सेकेंड। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एनी वे, दिस शुड बी फाइन। ओके आप लोग सब प्लीज ये रिस्पॉन्सेस प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग यू गाइज लाइक यू नो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एंड स्टफ, ठीक है ना। तो दोज ऑफ यू हु वुड यू नो वांट दैट, प्लीज गो अहेड एंड फिल द फॉर्म। इसमें यू नो आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। ओके तो ये सारा चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यशवंत यू शुड बी एबल टू सी योर रिस्पॉन्सेज मोमेंट यू हैव सबमिटेड, यू शुड बी एबल टू सी योर ईमेल आईडीज हियर। ओके आई विल शेयर द लिंक अगेन टू शेयर अ फॉर्म लिंक, लाइक आई पर्पसली डिड दिस सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सी। When you create a form and you need to share a form link, you need to click on send. Come here, you can either use this link or it's better to shorten the link, copy it and then put it wherever you want to put it. Anybody here who has never used a Google form, please put me in the chat. I would like to also then cover Google forms in details. Last time ne humne Google form kaise create करना है वो सिखाए थे हमने, ठीक है। गूगल फॉर्म का बेसिक से मैंने सिखाया था लास्ट MIS वर्कशॉप में। मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए ना, पहले का जो भी MIS वर्कशॉप्स हुआ है, ठीक है, मैं वो सारा का लिंक आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, समबडी हैड आस्क्ड मी सो आई हैड कंसोलिडेटेड ऑल ऑफ दैट एज वेल। So guys, this MIS workshops are absolutely free, ठीक है ना। We very minimally you know promote our products in this space. Also this is a you can say corporate social you know responsibility of ours, you can say, ठीक है, जहाँ पे we are trying to help people from DNE or MIS you know backgrounds, ठीक है। Purely this is a social initiative from our side. So these are already the you know you can see 7 workshops have already been done and today is the 8th one, theek hai। Main ye sara links aap logo ko chat mein dal de raha hu, these are each of these links are about 90 to you know 120 minutes, theek hai। So you will need time to watch them, okay। You can go and maybe you know subscribe to the channel or you know just save it as watch later in your YouTube history whenever you get the time, and when you have need for any of these you know topics, you know, go ahead and watch them, you know. I have a bigger workshop, obviously it's the training this thing that I do, which is called you know double your DME's output, theek hai। Wahan pe ye sara cheez bhi cover hota hai aur iske sath sath kafi aur bhi naya cheez cover hota hai, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड मे बी यू कैन गेट इन टच विथ माई यू नो सेल्स पीपल, आई विल पुट इन द डिटेल्स हियर जस्ट इन केस यू गाइज वॉन्ट टू लुक एट दैट। सो द DME कोर्स कंटेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड you can go to this link, previous workshop demo sheets। देखिए previous workshop का demo sheets के लिए ना, आप यहाँ पे मान के चलिए कि ये Google form का ये है या फिर how to use VLOOKUP, if you go to any of these links, okay, आपको कहीं ना कहीं उसमें भी मिल जाएगा, comments में मिल जाएगा। ये देखिए, here is a copy of the link as promised, ठीक है ना। तो जहां जहां पे लिंक क्या बोलते हैं नेसेसरी है, वो कहीं ना कहीं मैंने कमेंट्स में डाल दिया, तो आप लोगों को मिल जाएगा,
आप एक बार क्लिक कर लीजिए, उसको मिल जाएगा. ऑल्सो इफ यू आर यू नो गोइंग थ्रू द लिंक्स, इट विल बी नाइस टू यू नो हैव योर कमेंट्स. आई रीड ऑल ऑफ दीज कमेंट्स, ठीक है ना. गो हैड एंड यू नो प्लीज डू पुट इन सम कमेंट्स, ओके. इट इट नीड नॉट बी पॉजिटिव, ठीक है ना. इफ यू डू नॉट लाइक इट, इफ यू थिंक दैट यू नो आई कुड इम्प्रूव इन अ सर्टन वे, प्लीज गो हैड एंड पुट इट. आई विल ट्राई एंड incorporate those suggestions in the upcoming videos and live sessions that we'll be doing. Okay, so please go ahead and do that for us. We'll be thankful to you. Chalo. Okay, so let's start for today's this thing. So most of you have said I should use both Hindi as well as English. Okay. इसके बाद हम देखते हैं कि कौन-कौन यहाँ पे add-ons कभी use नहीं किए हैं, ठीक है. So most of you have used add-ons before. 66% have already used some add-ons or the other before, and 33% of you have not used add-ons, ठीक है. So चलो, great. And now the last question that I'd asked to people who had used add-ons, कि आपका favorite add-on या फिर कौन सा add-on आप सबसे ज्यादा use करते हो, ठीक है. Most people have said Form Ranger. So Google Keep would not be an add-on. Google Keep is just another, I would say, you know, one of the services of Google. I would say Google Keep may, you can keep your, you know, documents. It's not really an add-on. An add-on is something which, you know, you can use with your sheet or with your, you know, forms. It is like a macro. Those of you who have used and who have backgrounds in, you know, Microsoft Excel, ठीक है, यू कैन रिकॉर्ड मैक्रोज, राइट. एडॉन्स आर लाइक यू नो रेडीमेड मैक्रोज दैट हैव बीन पुट आउट ऑन द वेब एज अ सॉफ्टवेयर फॉर यू टू प्लग एंड प्ले, ठीक है ना. तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या कर सकता है वो एडॉन्स. इसके लिए आज मैंने एक इसका जो रेस्पॉन्स का एक जो वर्कशीट है, ठीक है. हाउ टू क्रिएट दिस रेस्पॉन्स का वर्कशीट, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, यू कैन क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स, सेलेक्ट रेस्पॉन्स डेस्टिनेशन, ठीक है. यहाँ पे यू कैन क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो रेस्पॉन्स था ये मैंने क्रिएट करके रख लिया है, ठीक है. सो इसका जो रेस्पॉन्सेज आप लोगों ने अभी मेरे को दिए हैं ये यहाँ पे मेरे पास आ गया है, देखिए, ठीक है. दीज रेस्पॉन्सेज वर फिल्ड बाई मी वेन आई वॉज चेकिंग. So these responses were already there, but the six responses that you guys have given me, they are here. Now, before I shared this form with all of you, ठीक है, ये form share करने से पहले, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे गया था और यहाँ पे जाके मैंने delete all responses कर दिया था, ठीक है. Delete all responses जैसे मैंने किया था, मेरा जो test responses था वो form से तो हट गया था, ठीक है, पर मेरा जो डेस्टिनेशन शीट है जहां से मैंने ऑलरेडी मैंने एक बार शीट बना लिया था उससे ये नहीं हटा था, ठीक है. सो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हेनेवर यू आर डिलीटिंग रेस्पॉन्सेस, ओके, फ्रॉम द फॉर्म, ओके, आपको दो जगह से डिलीट करना पड़ता है, ठीक है. एक है जो शीट है, ठीक है, यहां से आपको डिलीट करना होता है, ऐसे आप पूरा रो इसको ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है. दूसरा चीज जो है आपको यहाँ पे अभी मान के चलिए कि मेरे को इंडिविजुअली डिलीट करना है, ठीक है. तो आई कैन क्लिक ऑन इंडिविजुअल एंड आई कैन क्लिक ऑन द रेस्पॉन्स नंबर, ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक है, और इसको मैं यहां से ऐसे डिलीट कर सकता हूं. अगर मेरे को सारा डिलीट करना है आई नीड टू क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स एंड डिलीट ऑल रेस्पॉन्सेज विल डू द ट्रिक, ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडॉन्स, ठीक है ना. ये अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है. इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस समवेयर यू आर बींग अंडर प्रोडक्टिव, ओके. दैट एडॉन इज कॉल्ड फॉर्म्यूल, ठीक है. दोज ऑफ यू हु डू नॉट हैव दिस मस्ट इंस्टॉल इट, दिस इज 100% यू नो सेफ. पीपल हैव बीन यूजिंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर. People who do not know how to get this add-on, you simply have to, you open a Google sheet, ठीक है ना. कोई भी आप एक Google sheet खोल लो,
और उसमें आके यहाँ पे एड ऑन्स पे आप आ जाओ और एड ऑन्स पे जाके गेट एड ऑन्स। ओके, इन दिस गेट एड ऑन्स यू कैन सर्च फॉर फॉर्म्यूल एंड यू विल फाइंड दिस अ डोंकी कैरिंग अ मेल। ठीक है, सो easiest way to identify this, इसको आप install कर लेना। I have the option to uninstall right now because I already have installed it. Please go ahead and install it. Just take it from me. ये मत सोचो कि अभी मेरे को जरूरत नहीं है. Okay? Just go ahead. Even if you do not need it at this moment, keep it. It is not going to slow your sheets down like you know add-ons in Excel or whatever it is. You know slows it down every time you're launching it. Okay, we have quite a few add-ons already installed and it has not affected you know the performance of our sheets. So if any of you need time to install this, you can let me know. I could wait. Okay, I guess all of you have this already. So let me go to the next stage. अभी देखिए सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो भी मैंने आप लोगों को ये फॉर्म यहाँ पे मैंने जो डाला था, ठीक है ना, the responses, I would like to welcome all of you to the workshop. ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ the people who have filled this form should automatically get an email, okay, thanking them for joining me for the workshop. ठीक है, how will I do that? ये ऑटोमेटिक हो सकता है, आपको कुछ इसमें इंटरवेंशन करने का दरकार नहीं है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गो टू एड ऑन एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस फॉर्म्यूल. ओके, इसको मैं एक बार लॉन्च कर लेता हूं. ओके, व्हेन यू लॉन्च दिस यू विल गेट दिस विंडो. ठीक है, इस विंडो में क्या होता है, you are first asked to select the sheet that contains the email addresses and merge source data. ठीक है, तो obviously my sheet is going to be called form responses 1. ठीक है, it is always better, okay, to name these worksheets. ठीक है, instead of calling this form response 1, let me just close this window, go back and rename this sheet appropriately. Why do I insist on renaming this sheet appropriately? Because जब भी आप लोग इससे कोई इंपोर्ट रेंज या फिर इस शीट को कहीं भी आप रेफर करोगे, ठीक है ना, तो आपको वो शीट का फॉर्मूला देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा शीट से आ रहा है. ठीक है, सो यू नो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज एज योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज यू विल हैव अ लॉट ऑफ शीट्स. ओके, आई एम श्योर सम ऑफ यू फेस दिस इश्यूज, यू विल हैव अ लॉट ऑफ शीट्स. तो फॉर्मूला देख के पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से डेटा आ रहा है, फिर उसको फॉर्मूला के बीच से कॉपी करके उसमें सर्च बार में डाल के देखना पड़ता है कि ये कौन सा फाइल खोल रहा है, ओनली देन यू कैन आइडेंटिफाई. बट इफ यू नेम दीज यू नो वर्कशीट्स अप्रोप्रिएटली यू विल इजीली फाइंड दीज. सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आई ट्राई टू कीप द नेम ऑफ द वर्कशीट एंड द नेम ऑफ द फाइल सेम. ठीक है, तो मैंने इसको इंट्रोडक्शन टू एड ऑन्स कर दिया. ठीक है, इसके बाद लेट्स गो टू एडॉन्स फॉर्म्यूल एंड सेटअप. ठीक है, नाउ फेयर वार्निंग, फॉर्म्यूल समटाइम्स कैन बी अ लिटिल इराटिक. ओके, मैंने ये नोटिस करा है कि कभी कभी ना ये जो ऑप्शन आ रहा था, देखो पहले ये ऑप्शन आ रहा था जस्ट लॉन्च. ठीक है, अभी आपके पास जैसे मैंने एक बार लॉन्च कर दिया, इसके बाद ये सेटअप का ये ऑप्शन आ रहे हैं. ठीक है, कभी कभी यू नो टू जनरेट you know pre-filled form links or to generate not pre-filled form links, sorry to generate form edit urls or to generate the unique case numbers, bulk generate unique case numbers, ye options hai main aapko dikhaunga formula ke andar hi, wo kabhi kabhi nahi aata hai. theek hai, in that case what you need to do is sometimes you need to just resubmit a dummy form or close the sheet and reopen it. theek hai, do not panic, it will eventually work. theek hai, to isko main setup pe jata hu aur isko choose source data and set merge type कर लेता हूँ. Okay, now I'm going to select the sheet introduction to add-ons. ठीक है,
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट डिसीजन दैट यू नीड टू मेक, ठीक है। एक तो हो गया कि जब आप आपके पास जब डेटा आ जाता है, ठीक है, आप ये चाहोगे कि जैसे फॉर्म सबमिट हो वैसे ही बंदे के पास एक रिस्पॉन्स चले जाए, ठीक है। दूसरा चीज हो सकता है कि द फॉर्म कैन बी सबमिटेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, एंड यू वांट ऑल द रिस्पॉन्सेस टू गो आउट ऑन अ डिफाइंड टाइम। तो अगर वो डिफाइंड टाइम है, यू विल यूज दिस टाइम ट्रिगर, ठीक है। इसमें आपको स्पेसिफिक आर्ली टाइमर, एवरी आर, यू नो, एवरी 2 आवर्स, एवरी 12 आवर्स, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी आपको प्रेफर्ड लगे वो आप यूज कर सकते हो। यू कैन टेक अ डे टाइमर, ठीक है। सो ऑन अ डे टाइमर व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू चूज अ टाइम विद इन अ डे। एवरी डे लेट्स से यू नो ऑल द अप्रूवल ईमेल्स टू अ मैनेजर नीड्स टू गो आउट बाई 10 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट इज वेन ही लाइक्स टू कम इन टू द ऑफिस एंड गेट डन विद ऑल हिज अप्रूवल्स फॉर द डे। सो यू कैन चूज 10 to 11 AM। नाउ प्लीज नोट दैट यू कैनॉट चूज अ स्पेसिफिक टाइम लाइक 10:49, इट डजेंट वर्क दैट वे। वॉट हैपन्स इज दीज रिक्वेस्ट गो टू अ सर्वर एंड दे गेट बैच्ड, ओके, एंड द सर्वर रन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ऑल द रिक्वेस्ट आर बेसिकली क्लब्ड टूगेदर एंड देन दे गेट एग्जीक्यूटेड। सो इट विल रन बिटवीन 10 and 11 एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो यू कैन चूज दिस ऑप्शन हियर। ऑल्टरनेटिवली यू हैव अ वीकली टाइमर, यू नो, दीज आर नो ब्रेनर्स गाइज। आई एम नॉट गेटिंग इन टू दिस एंड वेस्टिंग योर टाइम, आई एम श्योर यू कैन फिगर दिस बिट आउट, ठीक है। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉर्म ट्रिगर, ओके। सो व्हाट आई मीन बाय अ फॉर्म ट्रिगर इज सेंड ऑन फॉर्म सबमिट। ये देखिए, सेंड ऑन फॉर्म सबमिट, एवरी टाइम देर इज अ फॉर्म सबमिशन, अ न्यू फॉर्म सबमिशन, द एंटायर थिंग विल चेक वेन यू नो द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड इफ देर इज एनी रो विच हैज नॉट बीन एक्शन, ओके। इफ इट हैज नॉट बीन एक्शन इट विल एक्शन दैट पर्टिकुलर रो। यस शिवम, यू हैव अ क्वेश्चन? शिवम, यू हैव अ क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके, आई एम लोअरिंग योर हैंड शिवम, आई बिलीव इट वॉज मे बी बाई मिस्टेक। ओके, यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं। सो सेंड ऑन फॉर्म सबमिट अलॉन्ग विद दिस ना, देर आर टू एडिशनल ऑप्शन विच कैन बी समटाइम्स वेरी यूजफुल, ओके। वन इज टू लॉग अ केस नंबर फॉर ईच सबमिशन जस्ट इन केस, ओके, यू डू नॉट हैव अ यूनिक आई डी फॉर एवरी सबमिशन, जस्ट इन केस यू डोंट हैव अ यूनिक आई डी, दीज यू नो केस नंबर्स फॉर ईच सबमिशन कैन एक्चुअली बी वेरी बेनिफिशियल। यू कैन यूज देम एज योर प्राइमरी की टू आइडेंटिफाई, यू नो, लेट्स से ऑर्डर नंबर और अ पीओ नंबर और वॉट एवर, यू कैन यूज देम, ठीक है। सो आई विल गो अहेड एंड यू नो टिक दिस ऑन, ओके। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू टिक द अदर ऑप्शन ऑन, बट सी मोमेंट आई टिक दैट वॉट हैपेंड इज आई गॉट दिस यू नो नोटिस फ्रॉम द डेवलपर्स सेइंग द The form destination sheet is unknown. Try submitting the form once and this error should go away. Okay. So, you know what happened? So, this is a little technical, you know, this thing glitch that probably they could not solve. What happens is you need to submit the form once for the case numbers to also generate. Okay. Same thing works with the form edit URL. Now, can anyone tell me here what is a form edit URL? Anybody? You can unmute. I would love for you guys to unmute, or you can put it in the chat. ठीक है, if you do not know, that's also okay. मैं बताऊं सर? बताइए, प्लीज बताइए। ओके सर, बेसिकली एक जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसका एक यूनिक यूआरएल जनरेट हो जाता है जिसके थ्रू हम अपने फॉर्म को लाइक रीसबमिट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं या फिर उसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं। तो यही सर वर्क होता है, आई गेस। परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर है। जब एक आप फॉर्म सबमिट कर दोगे, ठीक है, लेट्स से यू हैव सबमिटेड सेक्शन 1, ठीक है, एंड नाउ यू हैव दैट फॉर्म एडिट यूआरएल। अगर आप वो फॉर्म एडिट यूआरएल किसी को दे देते हो,
ठीक है, दैट पर्सन कैन क्लिक ऑन दैट फॉर्म एडिट यूआरएल, दैट पर्सन विल सी ऑल योर आंसर्स इन सेक्शन 1 एंड द पर्सन विल बी एबल टू फिल मे बी सेक्शन 2 3 4 व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड और एडिट योर क्वेश्चन योर आंसर्स एंड सबमिट दैट फॉर्म. ठीक है, उससे क्या होगा, एक नया रो नहीं क्रिएट होगा, वही सेम रो जो यहाँ पे है. ठीक है, दिस सेम रो वॉट एवर इज हियर दैट रो विल बी एडिटेड. सो वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल्सो लाइव सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड यू नो हाउ दिस थिंग हैपेंस. ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं. इसके पहले बिफोर सबमिटिंग अनदर फॉर्म लेट मी ऑल्सो गो इन टू सेटअप वंस मोर एंड ऑल्सो टेक द फॉर्म एडिट का जो बटन है. ठीक है, फॉर्म एडिट यूआरएल का जो बटन है मैं इसको भी एक बार टिक कर देता हूँ. अभी मेरे पास फिर से वही सेम चीज आएगा कि सबमिट अ फॉर्म वंस फॉर इट टू बी डिटेक्टेड. ठीक है ना, तो मैं इस फॉर्म का लिंक आप लोगों को फिर से एक बार भेज देता हूँ. One of you, just one of you, please fill this form once. और अभी आप देखेंगे जैसे ही कोई भी एक आंसर आ जाते हैं. ठीक है, सो दोज ऑफ यू हु हैव नॉट फिल्ड दिस फॉर्म एंड यू हैव मे बी यू नो यू आर हेल्ड अप एंड यू जॉइंड अस लेट, यू ऑल कैन ऑल्सो प्लीज गो अहेड एंड यू नो फिल दिस फॉर्म. आई एम जस्ट कलेक्टिंग सम बेसिक डेटा फॉर फ्रॉम यू गाइज सो दैट आई कैन शो यू गाइज यू नो हाउ दीज वेरियस एड ऑन्स वर्क एंड द आउटपुट्स विल बी कमिंग टू ऑल ऑफ यू. So I'm just looking for one response here, please. Thank you. Who gave me this response? Let me have a look. Okay, two people responded. Thank you. So these two guys have responded. Thank you so much. All right. अभी देखिए जैसे आप लोगों ने ये responses डाले ना, see look at what is happening in this sheet. Okay, it has created case numbers and I see there is some mistake in the case numbers. This both of this can't be one and one. Okay, at the same time, so more people are filling this form right now. Okay, so as and when more people are filling this form, this edit URL is being generated. Okay, the previous edit URLs have not yet been generated. इसको जेनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे जाएंगे एडॉन्स में और एडॉन्स में जाके ये देखिए बल्क जेनरेट यूनिक केस नंबर्स, इसको एक बार हम कर लेते हैं. इसमें ये केस नंबर्स को यूनिक एक केस आईडी सबको दे देता है. ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट टाइम फॉर मी गाइस दैट इट हैज जेनरेटेड अ डुप्लीकेट यू नो केस नंबर. This generally doesn't happen. Let me go ahead and just make this, override this and make this 12. Okay, this generally never happens. This is new. But anyways, or else I can try doing one thing. Let me just delete this and see what happens. Add-ons and bulk generate unique case numbers again. This should take care of it. See, now it is coming in the right sequence. Okay, iske baad, if somebody else fills a form, it will pick up 13. Okay. Iske baad hum kya karenge? There's another thing that I needed to do was also bulk generate form edit URLs. But see, this option is not here. Let me simply do one thing. Let me just close this file. Okay. Reopen this file again. And see if this option is active or not. आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है मेरे को, लेट मी हैव अ लुक. ठीक है, तो समटाइम्स यू नो इट बिहेव्स अ लिटिल इरेटिकली बट ट्रस्ट मी द प्रोज आउटवे द कॉन्स. ठीक है ना, मैं एक बार इस पर टेम्पलेट में चला जाता हूं. ठीक है, सो गाइज this section that I'm doing right now, this I should have typically done after creating the form edit URLs, but since I'm not getting this option right now, मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ. उसके बाद I'm sure I'll be getting that option somewhere to generate the rest of the
फॉर्मेटेड यूआरएल्स और तब मैं उसको जनरेट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे ना, हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट दिस टेम्पलेट इज गोइंग टू डू इज बेस्ड ऑन द टैग्स, ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट अ टैग इज। बेस्ड ऑन द टैग्स दैट वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग, इट इज गोइंग टू टेक द डेटा फ्रॉम द सोर्सेज एंड इट इज गोइंग टू बेसिकली डू अ मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, इट इज लाइक दिस। आप मान के चलिए कि आप किसी को एक इनवाइट भेज रहे हैं, यू आर सेंडिंग एन इनवाइट टू हंड्रेड ऑफ पीपल, ठीक है। बट इफ यू वॉन्ट टू पर्सनलाइज इट, ठीक है ना, लेट्स से इफ आई से समथिंग लाइक यू नो हाय अभय, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एक्स वाई जी यू नो वर्कशॉप, ठीक है ना, इट लुक्स अ लॉट मोर पर्सनलाइज्ड। सो If I have to do that for 100 different invites, I will give up and say, boss, this is underproductive, I am not going to, you know, do this. But if I have a system that can automatically do that, then why not? ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We have to create a template that will basically have a provision for Abhay's name to be put in somewhere. ठीक है? उसके बाद we will write the body of the mail with the signatures and जो भी हमारा details उसमें डालना है, वो सारा हम डाल के हम उसको सेव कर देंगे। जैसे ही अभय या फिर एनीबडी एल्स फिल्स अप अ फॉर्म, द ईमेल विल गो टू द पर्सन सेइंग आई अभय वेलकम टू द वर्कशॉप और थैंक यू फॉर यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट, वी फर्स्ट क्रिएट अ टेम्पलेट। सो लेट मी गिव इट गिव दिस टेम्पलेट अ नेम, ओके, इन्विटेशन, ओके। यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जो सेंड कंडीशन है, एक तो नॉर्मल सा कंडीशन हो गया कि सेंड फॉर ऑल रोल्स, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बेस्ड ऑन द कॉलम्स दैट यू हैव, ये सारा कॉलम्स मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये करने वाला हूँ कि अभी के लिए मान के चलिए कि ये जो फॉर्म एडिट यूआरएल है ना, ये आप मान के चलिए कि ये आपका अप्रूवल कॉलम है, ठीक है। सो लेट्स से यू नो समबडी इज यू नो अप्लाइंग फॉर अ लीव, सो ओनली व्हेन द लीव इज अप्रूव्ड should the person get a mail saying your leave has been approved, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैसे करोगे, let's say this is the approval column, you select this and here you see you have an option to write set to null, not null or any value, ठीक है। तो here if I simply type not null, this will mean that only when the form edit URL column has some data, तभी वो मेल जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे कोई डेटा आ जाएगा तभी ये जाने वाला है, वरना ये नहीं जाएगा डेटा, ठीक है ना। तो अभी फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स मेल्स आर गोइंग टू गो, फ्रॉम 1 to 7 मेल्स आर नॉट गोइंग टू गो। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए एक बार सेफ सेटिंग्स करना पड़ेगा मेरे को। नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग इन क्रिएटिंग द टेम्पलेट। जैसे ही मैं इसको देखो, यहाँ पे देखो जल्दी से बिफोर इट यू नो डिसअपीयर्स, what happened on my screen was it created a hidden worksheet, okay, that hidden worksheet is basically where the template is saved, okay. I will also show you after creating the template ki us template ko aap kaise edit kar sakte ho directly instead of you know going the roundabout way to option and everything else. agar usme kuch change karna hai na, us worksheet ko aap unhide karke directly usi mein aap change kar sakte ho if you know what you are doing, theek hai. So let's edit this particular template now. अब देखिए आपके पास एक, आप मान के चलिए कि एक ये एक मेल बॉडी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो भी टेम्पलेट बनाएंगे उस हिसाब से when formula runs it will pick up your tags and it will merge the entire document into one single template and it will start sending it out for every single row, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टू किसको मुझे भेजना है, ये मैं टैग यूज कर सकता हूँ ईमेल एड्रेस। ये देखिए ईमेल एड्रेस का मेरे पास एक कॉलम है ऑलरेडी, आई एम गोइंग टू यूज दिस टैग। तो ये देखिए ये होता क्या है कि जो हमारा कॉलम हेडिंग होता है, ठीक है, वो कॉलम हेडिंग को एग्जैक्टली वो ले लेता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में दो लेस देन साइन डाल देता है और उसके राइट हैंड साइड में दो ग्रेटर देन साइन डाल देता है। सो बिटवीन दीज टू साइंस, ओके, ऑन आइदर साइड शुड बी माय कॉलम हेडिंग एंड दैट इज अ टैग, ठीक है।
तो अभी ये क्या करेगा, ये फर्स्ट जाएगा शिवम कुमार को देखेगा, उसके बाद ये जाएगा mis@vora.com, ठीक है। ऐसे कर करके ये हर एक रो को एक एक मेल भेजेगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ टैग। इसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी को सीसी करना, ठीक है, लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक माई मैनेजर टू ऑल्सो नो दैट यू हैव ज्वाइंट माई वर्कशॉप, ओके, आई कैन पुट इन माई मैनेजर्स ईमेल आई डी, ठीक है। आई एम नॉट गोना डू दैट, आई एम गोना गेट अ स्कोल्डिंग फॉर इट, सो लेट मी जस्ट लीव दिस ब्लैंक फॉर नाउ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बीसीसी करना है, यू कैन बीसीसी समबडी, ठीक है। रिप्लाई टू, इफ यू हैव एनी यू नो एलियसेस और समथिंग लाइक दैट, यू कैन यूज दिस रिप्लाई टू कॉलम एज वेल। वी टिपिकली लीव इट ब्लैंक बिकॉज इफ आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल, देन यू नो इफ यू हैव एनी यू नो डाउट्स और एनीथिंग लाइक दैट, आई वुड लाइक फॉर यू टू डायरेक्टली रेस्पॉन्ड टू मी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं सब्जेक्ट। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर, इट हेल्प्स, ओके, इट रियली हेल्प्स इफ यू कैन फाइंड अ कैची सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो पर्सनलाइज्ड, ठीक है ना। तो गिवन द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव राइट नाउ, आई डू नॉट हैव योर नेम, ओके, सो आई कैनॉट पर्सनलाइज इट सेइंग दैट यू नो हेलो यू नो योर पर्टिकुलर नेम, आई हैव नॉट आस्क्ड यू फॉर योर नेम पर्पसली बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। बट इफ आई हैड योर नेम, आई कुड लेट्स से इमेजिन दिस इज योर नेम, ठीक है ना, वॉट लैंग्वेज शुड दिस लेक्चर बी इन, ठीक है। सो हियर इट कुड हैव इजिली बीन योर नेम, सो आई कुड हैव पुट हेलो नेम थैंक यू, ओके। सो ये एक ऐसा मेल बन जाता जैसे सब आप सबके पास एक पर्सनलाइज मेल चला जाएगा विथ अ सब्जेक्ट लाइन विच विल हैव योर नेम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई एम जस्ट गोना से थैंक यू फॉर नाउ, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एमआई सैटरडे वर्कशॉप। यहाँ पे हेलो एंड आई कुड हैव आई एम एक्चुअली राइट नाउ मिसिंग इट, बट मे बी आई शुड हैव यू नो आस्क्ड यू गाइस फॉर योर नेम्स एज वेल। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई कैन आइदर डू दैट राइट नाउ और मे बी लेट मी डू दैट, वेट, आई विल शो यू गाइस गिवन द इंफॉर्मेशन दैट यू गाइस हैव गिवन मी, how I can send you all a form edit URL where you guys can all then fill in your names, okay? I think that will be very interesting. There'll be a live, you know, sort of a this thing. मैं ये जो ये है ना, इसको मैं अभी save कर लेता हूँ, ठीक है? अभी देखो, इसको मैं send नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? Let me come here. Let me just close this. Let me go to the form. Let me go to questions. And add another question here. Okay, I'm going to click this add question. Okay, let me push this up. Okay, I'm going to ask for your full name. It's going to be a short answer. Okay, now moment I have added that, this column has come here already towards the end. Okay, na? Let me recreate. Okay, the template slightly. मैं इसमें जाता हूं सेटअप एंड सेट ईमेल टेम्पलेट एंड सेट कंडीशंस और बिल्ड प्रीव्यू टेम्पलेट। अभी आई वाज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द टेम्पलेट, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस बिल्ड प्रीव्यू टेम्पलेट। ओके, ये देखिए, ये ईमेल एड्रेस हो गया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग MIS वर्कशॉप। हेलो को मैं अभी चेंज नहीं कर सकता हूं। Let me just say, please update your name by clicking on the link. Clicking on the link below. Now, यहाँ पे can someone tell me what link am I going to use? So here are my tags. यहाँ पे मैं कौन सा टैग यहाँ पे लू, यहाँ से आप बताओ मेरे को।
सर वो फॉर्म एडिट यूआरएल। जी फॉर्म एडिट यूआरएल, अगर मैं फुल नेम का टैग यहाँ पे यूज करूँ ना, तो फुल नेम का उसमें तो देखो अ ब्लैंक थिंग इज गोइंग टू गो, बट जो फॉर्म एडिट यूआरएल है उस पे जब बंदा क्लिक करेगा तब वो जो ओरिजिनल फॉर्म जिन्होंने भरा है ठीक है ना, वही फॉर्म खुल जाएगा फिर से ठीक है ना। तो आई नीड टू यूज द फॉर्म एडिट यूआरएल ये वाला ठीक है। सो बेस्ट बेस्ट रिगार्ड्स, लेट्स से सीईओ आईटीबीओ एक्स ठीक है। और अब मैं इसको एक बार सेव एंड प्रीव्यू करके भेज देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मर्ज कंडीशन नॉट मेट, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो है, मर्ज कंडीशन इज नॉट मेट, व्हाई? बिकॉज द फॉर्म एडिट यूआरएल इज ब्लैंक। सो इफ आई कीप गोइंग टू द एथ वन, ये देखिए एथ में सेंड दिस रो ये सभी आ रहा है। तो हेलो प्लीज अपडेट योर नेम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो ठीक है। सो द एथ पर्सन दैट इज लॉजिस्टिक्स एट SEVITSIL.com ठीक है। दिस पर्सन इज बेसिकली गोइंग टू गेट एन ईमेल ओके, अलॉन्ग विद दिस एवरीबडी एल्स बिलो एट इज गोइंग टू गेट एन ईमेल ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ईमेल जाए, दैट ऑल्सो आई शो यू हाउ टू डू दैट। आई एम गोइंग टू सेव एंड सेंड नाउ। अब देखिए इट इज गोइंग टू टेक माई ईमेल एड्रेस, फ्रॉम माई ईमेल आई डी इट इज गोइंग टू अटेम्प्ट टू सेंड 5 ईमेल्स ठीक है। यहाँ पे सेंड नाउ। ऑल्सो गाइज एक चीज ध्यान रखना, आप जितनों को भी मेल में, टू में, सीसी में, बीसीसी में आप मेल भेजोगे, उतना आपका ईमेल का जो डेली कोटा है वो कम हो जाता है ठीक है। लिंसी डू यू हैव अ क्वेश्चन? हेलो। यस सर। या सर टेल मी। बेसिकली अगर हम फॉर्मेट यूज करते हैं तो हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हम जो भी उसमें टेम्पलेट में यूज कर रहे हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि वो क्वेश्चंस पिक नहीं करता मेल के अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर वो या तो ब्लैंक होता है या फिर अनडिफाइंड होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सर। यू कैन शो मी अ एग्जांपल, आई कैन प्रोबब्ली यू नो हेल्प यू। ओके सर। या गेट द फाइल रेडी, वी विल टेक दैट क्वेश्चन। सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। या जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट फिनिश सेंडिंग आउट दिस ईमेल एंड और वेट फॉर समबडी टू यू नो रिस्पॉन्ड विद देयर यू नो फुल नेम्स। सो गाइस देखिए जैसे ही मेल चला गया ना ठीक है, सो ये देखिए ये जो इनविटेशन सेंड स्टेटस जो है ठीक है, इनविटेशन वाज माय टेम्पलेट नेम एंड दिस इज द सेंड स्टेटस ऑफ माय इनविटेशन टेम्पलेट। यहाँ पे ये बता रहा है कि कब कौन से आईडी से किसको मेल गया है ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु हैव रिसीव्ड दिस ईमेल ईमेल्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्लिक ऑन द फॉर्म एडिट यूआरएल ओके। एंड वन सेकेंड, आई हैव अ फाइल, लेट मी चेक व्हाट दिस इज। तो यू कैन नॉट एडिट रेस्पॉन्स ओके, माई बैड ओके, एंड आई एम ग्लैड आई मेड दिस मिस्टेक, लिटिल अशेम बट आई एम ग्लैड आई मेड दिस मिस्टेक। यहाँ पे देखिए when you create this form, if you want people to be able to edit this responses okay, you also need to ensure in the settings okay that allow response editing is turned on, otherwise they will not be able to change it okay. So before this used to come in a settings wheel on top, now Google has changed the settings wheel to here itself. This needs to be on for people to actually be able to edit ठीक है। सो नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई, यू शुड बी एबल टू डू दिस। ओके सो दिस इज द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग दिस एरर। सो व्हेन एवर यू गाइज आर सेंडिंग यू नो फॉर्म एडिट यूआरएल्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, एनश्योर यू गो टू सेटिंग्स एंड यू हैव दिस अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग टर्न्ड ऑन okay, otherwise people will not be able to edit after submission. Now I'm hoping you guys will be able to edit. Please click on the link again and I should be able to see your names here. So I think this was a new you know form submission, if I'm not mistaken. This was a new form submission, right?
Jaimin Patel ji, was this a new form submission? This was not an edit. So if this would have been an edit, it would have come here itself. I think now this was a new form submission, so it has created a new row. Okay, and now Jaimin ji would have also received an email asking him to change or update his name. Abhi dekhiye, Apurv and Manish would have gotten these emails and they have clicked on this URLs and they were able to edit their names and it has been edited in the same row itself. Okay. So this can be very well used, you know, for your approvals and everything else. Those of you who are part of the CUIT box, you know, training program, I hope you will be part of the DME trainings starting on 20th of October. I'll be showing you guys how to create an entire approval system. Let's say, you know, you have sent an email. The email should go to the HR first. If the HR approves, it should go automatically to the, you know, the manager. If the manager approves or rejects, a particular template will be fired, you know, to the employee directly. And if it is rejected also, the reason will go to the employee saying why, you know, the leave has been rejected. Okay, na? So we can create an entire workflow like this just using, you know, these methods. Okay, now I'm going to do one thing. I'm going to, let's say, acha, those of you who, you know, keep editing these questions and keep adding newer questions, okay, please note that, you know, you cannot make any changes in the column headings here. Okay, any changes that needs to be made here in the questions itself needs to be made directly from the form. Theek hai, aapko ye form se jo bhi चेंजेस करना है क्वेश्चन पे वो कर सकते हो आप. एक बार कॉलम यहाँ पे बन जाता है उसके बाद आप ये कॉलम को आप यहाँ से मूव कर सकते हो. ठीक है, इसको मैंने बिगिनिंग पे कर लिया या फिर इसके बाद कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना, ये आप चेंज कर सकते हो, बट डू नॉट एड एनीथिंग लाइक यू नो इन बिटवीन. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव इन योर फॉर्म प्लस वन कॉलम फॉर द टाइम स्टैम्प शुड बी लेफ्ट untouched in the response sheet. उसके बाद आप you know insert कर सकते हो. मतलब I can insert a column here to the right. It wouldn't make any difference. Also I have noticed some of you ना यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि एक column डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको पांच column चाहिए. तो I have seen some of you right click and five times you know add you know one column each time. Okay. You do not need to do that. Let's say if you need to add five columns here, आप पांच कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लो. Select five columns. Sorry, give me a moment. Okay, I have selected five columns now. Now if I right click, ये देखिए, insert five to the right. ये option आ जा रहा है मेरे पास. So like this, you can easily add five columns to the right, not one by one. Same thing to the left. ठीक है? And double clicking with resize a column width. Okay, now what I'm going to do is the remaining people who have not received these form edit URLs, okay, I'm going to also ensure that an email is sent to them. How I'm going to do that? यहाँ पे मैं add-on में जाने वाला हूँ, formule. हाँ, अब यहाँ पे देखिए आ गया bulk generate unique form edit URLs. ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे कॉलम एच में यू विल स्टार्ट सीइंग दोस एडिट यूआरएल्स पॉपिंग अप. लेट्स ट्राई एंड डू दैट. ओके, सो दीज आर ऑल द एडिट यूआरएल्स दैट जस्ट गॉट क्रिएटेड. नाउ प्लीज नोट दैट द मेल्स हैव नॉट बीन सेंड टू दीज गाइज. ठीक है, अ मेल विल बी इमीडिएटली सेंड इफ समबडी राइट नाउ fills a new form, or if I do not want to wait for a new person to fill a form, what I can do is I can go to add-ons, I can go to formula, and here I can say preview and send all. जैसे मैं preview and send all करूँगा, उसमें क्या होगा? Automatically these people will receive an email. But let me not do that. One of you, please fill up a dummy form for me again. ठीक है?
The reason why I'm asking one of you to fill up this dummy form again is just to show everybody that whenever a new form is submitted, the entire script runs. I'm putting in the form link again. One of you just fill up a form, please, again. Now, what will happen is moment one of you fill up the form, na? जैसे आप यहाँ पे डालोगे यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ये देखिए डेटा यहाँ पे आ गया. सो मिस्टर और मिस 1, 2, 3, थैंक यू सो मच. ओके, अब यहाँ पे यू विल ऑल्सो नोटिस दिस ईमेल हैज ऑलरेडी गॉन एंड दीज ईमेल्स शुड ऑल्सो गो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगेन दिस इज न्यू. Typically, what happens is, guys, these emails also go out. Okay, na? For some reason, I think there was some data here or something. I do not exactly know. But these emails did not go. What typically happens is, पहला का जहाँ जहाँ पे blank रहता है, वो emails भी एक साथ चला जाता है. Whenever you are filling the, whenever somebody else is triggering the form, basically. ठीक है? अभी ये नहीं जा रहा है for some reason. I am going to manually go ahead and send this. So preview and send all. So ये छोटा छोटा glitches, you know, formula के साथ आता है, ठीक है? And that is pretty much the reason why we at a CUIT box have created our own, formula system, ठीक है ना? We have our own version through which basically you can create these conditions and send out emails. अभी देखिए जैसे मैंने इसको किया ये अभी चलने लग गया, ठीक है? So now anybody and everybody whoever has filled a form would get a request to fill in your full names in the template. जो invitation वाला template था वही template चला जाएगा to everybody to fill in your full name. Now if I want, I can edit that template and send a different or a proper invitation as well. एक तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ formula और इसमें जाके setup में जाके build and preview template. So ये क्या करेगा, ये एक window को खोल, वापस वही window को खोल लेगा. मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको. ये इसी window को खोल लिया and now instead of asking everybody to update your names through the form edit URLs that you have received, I can send out a greeting saying thank you for joining my workshop, okay, which will look a lot more personal. Okay, there are two ways of doing this. One is yahi pe main kar sakta hu, yahan pe let's say I can do something like the person's name space thank you for joining MIS Saturday workshop. Theek hai, अगर मैं इसको ऐसे ना करना चाहूं, I'll show you another way, okay, which is, I don't know, maybe slightly easier, maybe not, but it's a little risky, ठीक है? मैं इसको एक बार बंद कर देता हूं, मैं यहाँ पे आ जाता हूं, और यहाँ पे देखिए जो इनविटेशन का जो मैंने बताया था एक ब्लैंक शीट क्रिएट होता है, ठीक है? वो ब्लैंक शीट, सॉरी, एक टेम्पलेट क्रिएट होता है, ठीक है? वो टेम्पलेट को मैं ओपन कर रहा हूँ. ये देखिए द टेम्पलेट लुक्स वेरी सिमिलर एंड फॉर सम रीजन इट हैज ऑल्सो सेव्ड द टैग. फुल नेम को मैंने क्लोज नहीं किया था बट इट हैज सेव्ड इट, ठीक है? एनीवे डजंट मैटर, दिस इज व्हाट आई वांटेड, ठीक है? तो इसको मैंने सेव कर दिया ऑटोमेटिक. यहां पे मैं इसको एक स्पेस डाल देता हूं, दैट शुड लुक बेटर. द थैंक यू का टी शुड बी स्मॉल बिकॉज़ द फुल नेम इज ऑलरेडी गोइंग टू बी इन कैप्स और व्हाटएवर वे द पर्सन हैज पुट इन. प्रो टिप, दोज ऑफ यू हु वुड रियली लाइक द फुल नेम्स टू बी इन प्रॉपर ऑर्डर, you can write another function in array, okay, with a proper function for column C which will capitalize the first words, the capitalize all the individual words, like abhay ka a capital ho jayega, bajpai ka b capital ho jayega, theek hai? If let's say, okay, so the right example would be this, apurv ka ए कैपिटल हो जाएगा बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा. वुड एनी ऑफ यू वांट मी टू शो यू हाउ टू डू दैट?
हेलो या सर, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। प्रॉपर फंक्शन यूज करके कर सकते हो. यस, एनीबॉडी एनीबॉडी हु वांट्स अ डेमो ऑफ दैट, ओके आई कैन क्विकली शो यू आल्सो. ये देखिए, मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है. सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द वे द पर्सन फिल्स इन देयर नेम, ठीक है. ऑब्वियसली यू नो यू कैनॉट ऑलवेज से दैट यू नो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ओके. वी शुड ऑल्सो यू नो बिल्ड यू नो सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन टू आर सिस्टम सो दैट इवेंचुअली लेट्स से इफ इट्स अ क्लाइंट, यू नो द क्लाइंट शुड फील गुड अबाउट द वे यू आर राइटिंग और यू नो यू आर एड्रेसिंग हिम और हर, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ओके, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो हाउ टू राइट एरे फॉर्मूलाज, यू कैन डेफिनेटली यू नो डेफिनेटली एंड यू मस्ट ओके लुक एट दिस प्रीवियस, इनफैक्ट द फर्स्ट एम आई एस सैटरडे यू नो वर्कशॉप दैट आई हैड डन. आई एम कॉपिंग दिस लिंक एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर, ओके. इसको प्लीज आप सेव कर लो फॉर दोज ऑफ यू हु इज गोइंग टू फाइंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ डिफिकल्ट, ठीक है. आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन द फुल फंक्शनैलिटी ऑफ द एरे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट एंड गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एरे फॉर्मूला, ओके. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेक इफ आई हैव डेटा और नॉट. सो इफ रो, सो ओके फर्स्ट आई नीड टू पुट अ हेडिंग. सो इफ रो जी कोलन जी इज इक्वल्स टू वन, इफ दिस फॉर्मूला इज इन द फर्स्ट रो देन पी आर ओ पी ई आर नेम, ओके. प्रॉपर नेम में कर देता हूं इसको एक बार के लिए. उसके बाद आई एम गोइंग टू चेक इफ ए कोलन ए इज इक्वल्स टू नल देन नल. इफ नाउ आई एम कमिंग टू द स्टेटमेंट वेयर कॉलम मतलब मेरा रोज में डेटा है, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज प्रॉपर सी कोलन सी, ओके. दैट शुड डू माई जॉब. आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट्स नाउ. प्लीज नोट वेन एवर यू आर क्लोजिंग ब्रैकेट्स, दिस आई हैव ऑल्सो मेंशन इन अदर एमआईएस वर्कशॉप्स, यू विल सी दिस थिंग गेटिंग ग्रेड. सो हाउ टू नो हाउ मेनी ब्रैकेट्स टू क्लोज, जैसे मैं ये ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, सी दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज हाईलाइटेड टूगेदर. नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ब्रैकेट. सो वेट, मे बी आई शुड इंक्रीज द फॉन्ट साइज too much, but this should help. So I have closed this bracket. So the second bracket and the second last open bracket, they have been highlighted. Now I am pressing this close bracket again. See, this bracket and this bracket got highlighted. I'll press that once more for this bracket. Now all the brackets have been closed. If I mistakenly close a bracket once more, see this turns red. That's an indication that you have made a mistake. Okay, you will get a parenthesis error. ठीक है. So let me go back and close this formula. So this formula now is going to return me all the names in a proper order. ये देखो. Apurv likes to write his name in all caps, but when I'm addressing him, I will write it you know in a proper case, okay. Same thing with all the other you know entries, okay. Those of you who have received the rest of your emails, okay, please go ahead and you know edit your responses and give me your names now. I also intend to you know show you after this how to create certificates so that you know you guys can use that for your POs or you know indents or anything else, ठीक है. So go ahead and you know fill in your names. The certificates that you'll be getting from us will have you know your name, okay. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने कर लिया. Now I am going to go to my invitation and here instead of using full name, ठीक है, I'm going to now use a different tag obviously. And my that tag is going to be proper name, ठीक है.
तो ये प्रॉपर नेम का टैग मैं कैसे यूज करूंगा, आई जस्ट नीड टू चेंज दिस फुल टू प्रॉपर। ओके, सिंस आई एडेड दैट कॉलम, ओके, आफ्टर रनिंग फॉर्म्यूल, आई एम नॉट 100% श्योर, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि फॉर्मूल ये प्रॉपर टैग को पिक करेगा कि नहीं, बट हाउ एवर लेट मी गो एड एंड जस्ट गिव इट अ गो, लेट मी सी इफ दिस वर्क्स। ठीक है, सो हेलो प्रॉपर नेम, यहाँ पे भी मैं प्रॉपर नेम को एक और बार यूज कर लेता हूँ, हेलो एंड दिस टैग हियर, एक्सक्यूज मी, प्रॉपर नेम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और वेलकम टू, ओके, विद इन अ सेल, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, अगर आपको मल्टीपल रोज चाहिए यू कैन यूज द ऑल्ट एंड एंटर। यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट टू एड मोर स्पेसेस, राइट, सो ऑल्ट और एंटर में अगर करता हूं सो इट एड्स अ न्यू रो विद इन अ सेल, दिस हैज ऑलमोस्ट बिकम अ कॉमन नॉलेज बट जस्ट इन केस इट हेल्प्स आई जस्ट थॉट आई विल मेंशन। ओके, यहाँ पे देखिए ये टैग्स अभी आया नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर ये प्रॉपर नेम का टैग आ जाएगा कि नहीं इस टेम्पलेट वाला फॉर्मेट से, तो ना एक बार मैं इसको यहां से भी एक बार रन करा लेता हूँ, आई विल गो टू एडऑन्स, आई विल गो टू फॉर्म्यूल एंड आई विल से सेटअप एंड बिल्ड एंड प्रीव्यू टेम्पलेट्स। इसमें अगर वो टैग ले लिया तो मतलब इट हैज रिकग्नाइज द टैग, ये देखिए प्रॉपर नेम का टैग यहाँ पे आ गया और ये प्रॉपर नेम का टैग मैंने यहाँ पे भी यूज कर लिया, सो ये चल जाएगा। ठीक है, नाउ इफ आई सेव एंड सेंड ऑल, नो ईमेल्स आर गोइंग टू गो, ओके, कैन समवन टेल मी व्हाई, सर? बिकॉज पहले से जा चुके हैं और वो कॉलम्स आई मीन रोज फिल है पहले से ही, परफेक्ट, इसलिए ओके, सो आई एम गोइंग टू सेव एंड सेंड ऑल, नो ईमेल्स आर गोइंग टू गो, फेचिंग प्रीव्यूज में आपको दिखाएगा कि नो ईमेल्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ ईमेल्स फॉर्म्यूल विल अटेम्प्ट टू सेंड 0, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस। इसके बाद में अभी यहाँ पे आ जाता हूँ, अभी देखिए, सो आई होप यू गाइज वुडेंट माइंड मी सेंडिंग अनदर ईमेल टू यू ऑल, ओके, आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी गाइज, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल ऑफ दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू अनदर ईमेल with all your names, ठीक है, which will be in a proper case like this, ठीक है, so what I'm going to do is, I'm going to go to add-ons, अच्छा, यहाँ पे एक और बार वो चीज try कर लेते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी एक बार अगर कोई mail भेज देता है, तो the previous emails also get triggered, I have a premonition कि ये form edit URL which is part of the formules, you know, structure, for some reason it failed to understand that column, aap log ek bar please ek bar aur ye koi bhi ek bar aur ek bar form ko bhar do please, I just want to see ki when a new form comes in the previous this thing will go or not, so this obviously is not part of form use thing, let me color it differently, okay, so the 18th response or the case number should actually automatically send the invitation mail as well as trigger the rest of the emails. Let me see. So ye mails to ja rahe hain abhi. So lot of people are filling it. Thank you. So these guys have already gotten these emails. I can see this. Let me check from top. For some reason, ये अभी काम नहीं कर रहा है, but this also used to work. Previous mails भी एक साथ चला जाता था. ठीक है? Anyways, I am going to go to add-ons and I am going to click on formule and preview and send all. So इसमें क्या होगा? सबको चला जाएगा.
but please note, those of you who have already received it will not be getting it again. So that's the beauty of it. Send now. So it is going to send out 17 emails. Why 17? Because 18th onwards, it was blank. So those of you who have filled now, you all have immediately gotten those emails. Those of you who had already filled in the past, now you have gotten it because I manually triggered it. So ye cheez aap log bhi ek bar check kar lena in live cases ki, you know, agar blank hai or, you know, you're expecting somebody to fill in and then you're expecting all the other emails to go, sometimes it does not go. So you need to do the due diligence. Okay, so this invitation should have gone to everybody. Welcome message should have gone to everybody by now. It's better always to hide this sheet, okay, so that nobody can mess around with it. Also, let me go to my sent items. Yeah, so all of this, guys, will also be available in your sent items. Ye dekhiye, jo jo mail sabhi gaya na, ये सारा आपका सेंट आइटम्स में आ जाता है एंड यू विल सी इट एग्जैक्टली द वे इट हैज गॉन टू द पर्सन. ठीक है, तो जहां जहां पे नेम्स ब्लैंक थे देयर इट हैज गॉन लाइक दिस. ओके, so there were some addresses which were not proper, like, you know, 123 at gmail.com and stuff. So those of you who would not have received email, obviously I am getting this failure notifications. These failure notifications, jahan jahan pe address sahi nahi rahega, obviously aapko wo error bhej dega. Theek hai na, to isse aapko pata chal jayega ki, you know, which addresses you need to maybe remove. ठीक है, ऑल राइट. सो गाइज, दिस वॉज प्रिटी मच यू नो व्हाट फॉर्म्यूल कैन डू. अगेन, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टू यू नो यूज ऑफ फॉर्म्यूल. इसके साथ आप काफी सारा चीज कर सकते हो, जैसे कि you know, you can create multiple templates. कि एक कॉलम जब फिल हो जाएगा तब दूसरा कॉलम मतलब तभी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट जाएगा, उसके बाद उनको आप फॉर्म एडिट यूआरएल भेज सकते हो. जैसे वो फॉर्म एडिट यूआरएल में उनका एक सेक्शन भर देंगे, उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली एक और टेम्पलेट ट्रिगर हो सकता है. ठीक है, मैंने ये चीज भी पूरा डिटेल में, ये जो प्रोसेस है ये भी पूरा डिटेल में इन वन ऑफ द MIS Saturdays मैंने कवर किया था. मैं उसका भी लिंक अभी आपको यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ. One second, which one was it? Yeah. So I think it was, if I'm not mistaken, creating simple workflow automations. ठीक है ना, आई डोंट रिमेम्बर इफ आई कवर इट इन सिंपली वर्कफ्लो ऑटोमेशंस, बट ये भी आप लोग एक बार देख लो. फॉर दोज ऑफ यू हैव मिस्ड दिस, क्रिएटिंग सिंपल यू नो वर्कफ्लो ऑटोमेशंस, ओके, दिस कैन रियली हेल्प यू ऑल. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू समथिंग अ लिटिल मोर यू नो डायनामिक एंड अ लॉट मोर एक्साइटिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रैट. सो let me also pull in my slides from my DME workshop. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. So see guys, you know, in my DME workshop, I take you through, obviously, you know, Google from applications, you know, basically creating, you know, leaves and all of that.
the entire leaf system basically, you know, it gets covered here. यहाँ पे I also have autocrat, okay? Autocrat करता क्या है, ठीक है ना? Basically आप ये मान के चलो कि you can either use Google Sheets, Google Docs, or you know even Google Slides, ठीक है ना? As a template, ठीक है? उस template का ये autocrat क्या करेगा? ये उस template का एक PDF बनाएगा, आपका drive में store करेगा. और उस PDF का जो लिंक है उस लिंक को मेल के साथ जस्ट लाइक फॉर्म्यूल मेल के साथ वो आगे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड भी कर देगा, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट यू नो ऑटोक्रैट कैन डू फॉर यू, ठीक है? सो ऑटोक्रैट कैन बी इमेंसली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कस्टमर इनवॉइसेस, ऑर्डर फॉर्म्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बिजनेस लेटर्स, ओके, सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली व्हिच आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट टुडे बिकॉज़ इट्स द इजीएस्ट टू क्रिएट, ओके, एंड इट हैज अ गुड रिकॉल वैल्यू आई वुड से, ठीक है? टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है ना? स्टूडेंट्स का बोल लो, आपका इंटरनल ऑफिस का, एम्प्लॉइज का, इफ यू आर टेकिंग अ टेस्ट रिजल्ट, ओके, फाइनली यू हैव अ टेस्ट स्कोर समवेयर इन अ पर्टिकुलर सेल. अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से फॉर्मेट होके एक पीडीएफ बन के एक सर्टिफिकेट के साथ चला जाए, यू विल बी बेसिकली बी एबल टू यूज द सेम टैग्स जस्ट लाइक फॉर्म्यूल इन दैट. Event invitees and employee badges also, theek hai na? Let's say a new employee has joined, you need to issue them a badge, okay? So you can give them a digital badge till the time they can come to office officially to get collect their physical badge, theek hai? And this can happen automatically. You may not also need to give it to the employee. Obviously jab ek naya employee join karta hai aapka office mein, you need to create the badge, right? So somebody has to manually, you know, ask the employee to, you know, go to the HR and give the passport size photograph and blood group and blah blah blah. You can simply send the employee a Google form asking the employee all the necessary details that he or she needs to fill in for creating the company badge. ठीक है? और उसके साथ आप photography मंगा लो. Automatic, all of these things can be put together in, let's say, a गूगल स्लाइड, और उसका एक पीडीएफ बन जाएगा. जो पीडीएफ जैसे ही बन जाता है, यू सेंड इट टू योर प्रिंटर, ठीक है? वो प्रिंटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका प्रिंट निकालेगा बैच पे और आपको मेल कर देगा, ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गया, क्विज कोर्स लाइक आई सेड, सेल्स प्रपोजल्स, समबडी इज सेंडिंग यू अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है? आरएफक्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? Automatic based on the SKUs the person has sent you, okay, you can create a sales proposal using VLOOKUPs and multiple other things to pull in the, you know, the product details, the prices multiplied with the quantity. Ye sara cheez system automatic kar sakta hai, and automatically a sales proposal can go out through autocrat, okay? Vendor contracts, again very similar to, you know, sales proposals, and donation receipts, ठीक है? Somebody has, let's say you are a charitable organization, somebody has made a donation to you, okay? They would obviously, you know, like an acknowledgement and a receipt. So you can do that either by filling up all of their details, the person's name, the amount of donation the person has made, and you can run autocrat. It will keep putting all of that into a PDF, mail merge कर करके, और उसको वो आगे भेज देगा, ठीक है? Practical एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है? काफी बात हो गया, लेट्स ट्राई एंड डू दिस प्रैक्टिकली. सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आई एम बेसिकली गोइंग टू ग्रैब अ सर्टिफिकेट, ठीक है ना? आप सर्टिफिकेट इंटरनेट से कहीं से भी ढूंढ लो. सर्टिफिकेट टेम्पलेट, ठीक है ना? लाखों मिल जाएंगे, ठीक है? आपको बस इंटेलिजेंटली चूज करना है, ठीक है? सो चूज वॉट एवर यू लाइक, अवार्ड ऑफ एक्सलेंस जो भी है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. सी देयर आर सो मेनी ऑफ दीज ऑप्शंस, ठीक है ना? आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे हल्का सा एडिट करके आपको अपना नाम, मतलब जो नाम का जो टैग है वो नाम का टैग डालना है, और बाकी का जो टैग्स है यहाँ पे जो भी मे बी द स्कोर हियर और द डेट ऑफ यू नो पार्टिसिपेशन जो भी है, ये सारा आप easily कर सकते हो, ठीक है? Let me
pull in an example. I think I had already shown this last workshop. I will just give you the same example in detail. Yeah. So look at this, guys. I had gotten this thing from the last workshop. ठीक है, I had done this, I had shown this how to create this basically. So यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो first name का जो tag है, I had simply gone to insert और insert में जाके मैंने text box choose कर लिया था. ठीक है, तो I will get a text box like this और इस text box में मैंने जो tag था वो टैग को यहाँ पे मैंने डाल दिया था और उसका जो भी फॉर्मेटिंग करना था मुझे, जो भी मेरे को फॉन्ट्स चाहिए था, जो भी मेरे को फॉन्ट साइज चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया था कि बाकी का जो भी ऑप्शंस था मेरे पास, ठीक है, टाइम स्टैम्प मेरे को उठाना था, जो भी था मेरे को, मैंने वो सारा इसको यहाँ से पिक करा करा के ये टैग्स मैंने बना लिया था. ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू नो आई डू नॉट है want to use the first name because mera ye jo worksheet hai yahan pe the name that I really want to use is proper name. theek hai na, to main yahan pe I'm going to put the same thing here. it has to exactly match, guys. the cases, the spaces, everything has to match exactly. theek hai, proper name maine yahan pe dal diya. so when you get this pdf, okay, or this certificate, whatever you want to call it, thank you for joining me in MIS Saturday presented to, let's say, Abhishek Bose. thank you for participation in blah blah, whatever you want to write here basically. theek hai na, it is up to you. please do not restrict yourself to a certificate. you should really be thinking about your process and where and how in your process you can basically be using this tags. theek hai na, I am very honestly right now because of lack of time taking a shortcut to just show you how this entire thing can be created. theek hai, so I am going to basically use this autocrat demo wala jo mera jo template hai is sheet ke sath. theek hai, so I am going to go to add-ons. for those of you who do not have it, aapko autocrat AUTOCRAT ye search karna hai, AUTOCRAT. like I said guys, this is also a very important one. those of you who do not have it installed, do not think twice about the safety, security, blah blah. see the number of people who have already downloaded it and who are using it. okay, itna ginti bhi mere ko nahi aata hai. theek hai na, to aap isko install kar lo. theek hai, once you have installed it, आपको यहाँ पे एड ऑन में जाना है और एड ऑन में जाके ऑटोक्रैट में जाके यहाँ पे इसको लॉन्च करना है. सो फार आर यू गाइज फॉलोइंग इट, आर यू गाइज एंजॉयिंग दिस, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर वर्क? आपको समझ में आ रहा है ये अभी तक? यस नो मे बी प्लीज पुट इट इन द चैट. अभय इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पोंडिंग एंड अभय इज द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन, सो थैंक यू for being here. Manish, thank you. yes, you too. I have been missing out on a few of the names. Yogesh, thank you. Jashwan ji, thank you. okay, anyways guys, I really hope at least agar ye if it helps at least one person, you know, my time is worth it, I would feel, because this is going to save you all a lot of time. theek hai na, okay, so you are going to go to add-ons, autocrat install karne ke baad you are going to go to launch. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप लोग अगर चाहते हैं तो आप भी स्टेप बाय स्टेप कीजिए. इफ यू आर स्टक आई विल आल्सो लेट यू शेयर योर स्क्रीन. देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर्म्यूल, कुछ प्रॉब्लम दे रहा था. आई एम सॉरी, आई विल जस्ट कम बैक टू यू राइट आफ्टर आई हैव डन एक्सप्लेनिंग ऑटोक्रैट. आई विल लेट यू शेयर योर स्क्रीन एंड वी विल लुक एट योर इश्यू एंड वी विल रिजॉल्व इट. ठीक है, तो
ये ऑटोक्रैट में हम आते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव टू क्रिएट अ न्यू जॉब, यू नीड टू गिव इट अ जॉब नेम, ठीक है। सो सिंस आई हैव ऑलरेडी बीन डूइंग दिस इन मल्टीपल दिस थिंग फॉर सम रीजन बेस्ड ऑन माय आईडी, ऑटोक्रैट हैज ऑलरेडी यू नो स्टार्ट गिविंग मी सजेशंस, ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं सर्टिफिकेशन का जॉब नेम चूज कर लेता हूँ। इट डजंट मैटर इफ इट्स अ डुप्लीकेट नेम एज लॉन्ग एज इट्स अ डिफरेंट फाइल, मतलब इट्स अ डिफरेंट गूगल शीट, ठीक है ना। तो जॉब नेम सर्टिफिकेशन कर दिया मैंने, अब इसमें मैं नेक्स्ट में जाता हूँ। अब मुझे फ्रॉम माई ड्राइव वो फाइल चूज करना है जहां पे मेरा टेम्पलेट रखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज गोना बी माई ऑटोक्रैट डेमो, लेट्स सर्च फॉर इट। दिस विल शो अप, ओके। ये पहले नीचे भी यहाँ पे रिसेंट में आ गया था, आई कुड हैव चोजन फ्रॉम देयर एज वेल। मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ओके। करेंटली सिलेक्टेड टेम्पलेट यहाँ पे ये बोल रहा है ये, इसके बाद अभी आपको नेक्स्ट जाना है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे मर्ज टैब जो है, सबसे पहले कौन सा वर्कशीट को लेके ये मर्ज करेगा डेटा को, ठीक है ना, वो वर्कशीट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे माई डेटा रिसाइड्स इन इंट्रोडक्शन टू एडऑन्स। अभी देखिए यहाँ पे when I have selected invitation, this was pre-selected basically. अब यहाँ पे देखिए one unmapped tag आ रहा था, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि जो जो आपके पास जो tags होते हैं ना, ये automatically क्या करता है, वो template में जाता है और template में वो ढूंढ लेता है कि मेरा ये column कहाँ पे मेरे को डालना है, ये column मेरे को कहाँ पे डालना है। तो invitation में उसको proper name का कहीं पे तो मिल गया था, ठीक है, बट timestamp नहीं मिला था, उसलिए आपको यहाँ पे ये वो एरर दिखाता है। अगर आप चाहते हो तो इनविटेशन में जाके कोई भी सेल जो भी आपको चाहिए उससे आप इसको डायरेक्टली मैन्युअली ओवरराइड करा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज द इनविटेशन वर्कशीट। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जस्ट इन केस देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन योर टेम्पलेट एंड योर वर्कशीट हेडर्स एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू चेंज द टेक द पेन ऑफ गोइंग एंड यू नो चेंजिंग द टेम्पलेट का टैग्स, यू कैन मैन्युअली मैप इट हियर एज़ वेल। तो अभी है इंट्रोडक्शन पे करता हूँ एंड नाउ इट इज डूइंग द रीमैपिंग अगेन। अभी देखो मेरे पास कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, बिकॉज मेरा जो प्रॉपर नेम और टाइम स्टैम्प का जो दो टैग्स था मेरे पास, वो बिल्कुल मेरा कॉलम से टेम्पलेट को मैच करा लिया, ठीक है। आई एम गोइंग टू गो नेक्स्ट। अब देखिए ये पूछ रहा है कि फाइल नेम, नाउ एवरी टाइम आई क्रिएट अ न्यू सर्टिफिकेट, ओके, the file is basically going to be stored in my Google Drive, ठीक है। तो obviously I need to give that particular file a particular file name. तो मैं फाइल नेम क्या देने वाला हूँ, मैं फाइल नेम देने वाला हूँ आपका नाम, ठीक है। सो आपका नाम देने के लिए मैं क्या करने वाला, I'm simply going to use the tag. So tag use करने के लिए you can use this arrow. This will open up a list of all the column headers. So I'm going to use proper name here and I'm going to use the टैग हियर। सो जैसे मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है, देन यू कैन पेस्ट इट, ठीक है। सो फाइल नेम इज गोइंग टू बी प्रॉपर नेम, उसके साथ साथ में अंडरस्कोर डाल के, बिकॉज पीपल हैव सबमिटेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे ये केस नंबर जो है, ये केस नंबर भी साथ में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सो दैट विल बी माई फाइल नेम, ठीक है। ये फाइल से उसको वो सेव करेगा, ठीक है। वॉट इज द टाइप, I want it to be saved as a PDF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट मोड्स, ठीक है, ये आउटपुट मोड में क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि सब लोगों का फाइल, ठीक है, एक ही फाइल में बन जाए, मतलब इन अ सिंगल PDF आई हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स वन बिलो द अदर, ठीक है, आई कैन यूज सिंगल आउटपुट मोड। इफ आई वॉन्ट इंडिविजुअल रोज के लिए इंडिविजुअल फाइल्स बने, आई विल यूज मल्टीपल आउटपुट मोड। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। अब देखिए ये पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन कहाँ पे, वेयर शुड दिस बी सेव्ड, ओके। लेट मी, लास्ट टाइम आई मेड दिस मिस्टेक ऑफ नॉट पुटिंग अ एक्चुअल यू नो फोल्डर, तो द फोल्डर दैट आई हैड प्रीटी मच यू नो गॉट ओवर पॉपुलेटेड विद वे टू मेनी PDFs, इट गॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू दिस थिंग।
So what I'm going to do is I'm going to create a folder. I'm going to create a folder in my drive. Yeah, let me also share. So this is one of the subfolders that I have called MIS Saturdays. Within that, basically I keep all my files. Okay, yahan pe main new mein jane wala hun folder, and I'm simply going to put in today's date. So I'm going to put 180921. Isse main ek folder create kar leta hun. This folder will get created, and now I'm going to use that folder to dump all the PDFs. ये देखिए जल्दी से यही पे आ गया. So I know I can use this. इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. Let me choose the folder. Select this. अच्छा, I had double clicked on it, so it went inside the folder. I was just supposed to have selected it once and click on select. तो ये यहाँ पे आ गया. I'm going to go next. Add dynamic folder references. ये क्या होता है? आप मान के चलिए कि I also asked you questions like, you know, which industry you're from. Okay, so industry wise, आप मान लीजिए आपने, आप लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्री का नाम बताया, ठीक है. बट सम ऑफ यू हैव वुड हैव आल्सो सेड कि यू नो यू गाइस बोथ बिलोंग टू लेट्स से द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो बेस्ड ऑन द कॉलम, बेस्ड ऑन द रो वैल्यूज, ये यूनिक रो वैल्यूज, ये अलग अलग फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना. सो दिस यू कैन एक्सप्लोर फॉर advanced users, you can explore this. In most cases, this is not required. It is okay to basically dump all the files in a single folder itself, where you can simply do a search and figure it out. Any which ways, Google's ye jo search algorithm hai, yahan pe search in drive, that is powerful enough just for you to, you know, type any file name and it will figure out irrespective of, you know, where it lies. So, you know, I don't really recommend use of, you know, subfolders. Unless of course you have data privacy you know concerns. Okay, इसको अभी मैं next कर देता हूँ. अब यहाँ पे set merge conditions. Set merge conditions is very similar again to your formula. जैसे हमने बताया ना, send for all rows or send for only one particular row if it is not null. ठीक है, ये सारा conditions आप यहाँ पे set कर सकते हो. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई condition set नहीं करने वाला हूँ. Because I want to send it to everybody. However, if I wanted to, I could have used something like add condition. यहाँ पे देखिए column में जाके जहां जहां पे full names अभी तक मेरे पास नहीं आया, ठीक है, I do not want to send out a blank certificate, right? That can be a good method of limiting junk file creation, ठीक है ना. तो अब मैं यहाँ पे जो फुल नेम है, फुल नेम इक्वल्स टू नॉट नल, तो जो जो एंट्रीज मेरे पास फुल नेम के साथ आ गया है, मैं वही एंट्रीज को भेजना चाहता हूँ एक बेसिकली व्हाटएवर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मान लो. ठीक है, आई एम गोइंग टू गो नेक्स्ट नाउ. शेयर डॉक, ऑब्वियसली यस. शेयर डॉक एज व्हाट? आई वॉन्ट टू शेयर इट एज अ पीडीएफ हियर. ओके, allow collaborators to reshare it. If you want to reshare it again, yes, I would let you reshare definitely. Send from generic no reply IDs. So if you have any you know generic IDs like, you know, let's say sales@cuitbox.com or training@cuitbox.com, anything like that. ठीक है, if you want to use that, you have the option to use it from here. अब मेरे पास similarly जैसे मैंने formula आपको दिखाया था, ठीक है ना, फॉर्म्यूल में जैसे हमने ईमेल एड्रेस यूज किया था, वही सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे भी यूज करना है, बिकॉज यू नीड एन ईमेल आईडी टू सेंड इट टू. सो आई विल कम हियर, आई विल पिक द ईमेल एड्रेस, पेस्ट इट हियर. सीसी किसी को करना है तो कर सकते हो, रिप्लाई टू आईडी लाइक आई मेंशन, जेनरिक ईमेल आईडीज यू वांट रिस्पॉन्सेज टू. सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में डेफिनेटली यू नो पर्सनलाइज इट विद अ प्रॉपर नेम. Thank you. Thank you for your time. ठीक है, मैं अच्छा thank you का t में छोटा कर देता हूँ, otherwise it will look odd.
type in a body here, an appropriate one. Okay, so whatever you want to type in. Okay, now see guys, I have only been using this proper names here. Okay, based on your data. Okay, you can also choose in other tags. Okay, so here I have simply put a very vanilla, you know, body. Okay, what you can do is, let's say something like based on these columns, what can I do here? So let's say, what is your favorite or frequently used add-ons? Okay. So thank you for your participation. It was good to know that you have used, और ये टैग में यहां पे डाल दिया. It was good to know that you have used, and जो जो favorite add-ons आपने दिए हैं वो यहां पे आ जाएगा. Now for those of you who have said no, okay, this entire thing will look odd. ठीक है ना? तो अगर मेरे को ऐसा एक body भेजना है, then what I need to do is I need to go back, and I also need to ensure that along with this full name, I also add another condition where what is your favorite, favorite or frequently used add-on is also not null. Otherwise, people who have said that they have never used an add-on and they do not have an add-on, they have never used an add-on basically, and they do not have a favorite add-on, they will also get that unnecessary line. Correct, na? So, you know, you have to be aware of, you know, these little, you know, things when you are sending out, you know, mass emails. Abhi ke liye main sabko bhej deta hun. Obviously, you know, the ones who have never used, an add-on before, I am pretty sure you guys will be using sometime in the future. So, you know, I hope I have been able to contribute positively to that knowledge here. Ab yahan pe main isko next kar deta hun and run on form triggers. That means every time a new form is submitted, it will create a new PDF and it will send it out. So yes, and it will give you this warning saying I must enable triggers. I will confirm it. At the same time, let's say if I only wanted to send this on a time trigger, okay, on a specific time, not on the form trigger, I could use that as well. For now, let me go ahead and save this and send these things out to all of you. Okay, I'm going to go ahead and run this job. Ye dekhiye, merge sequence has started. It has picked up the first row. Okay, it has plugged in the names here with the timestamp whenever you had submitted, and you all will be getting these certificates now. I'll open this file in a new tab, okay, to show you what is happening in the background. So what Autocrat does, ye apne liye na नया सेट ऑफ कॉलम्स क्रिएट कर लेता है, चार नया सेट ऑफ कॉलम्स क्रिएट कर लेता है. फर्स्ट कॉलम में इट डाउनलोड्स द डॉक्यूमेंट आईडी, ठीक है. सेकंड कॉलम में इट विल गिव यू द एंटायर पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है. थर्ड में ये लिंक टू दैट पर्टिकुलर पीडीएफ, ठीक है. फोर्थ में इट गिव्स यू द स्टेटस, द डॉक्यूमेंट हैज बीन मर्ज सक्सेसफुली एंड इट हैज बीन ऑल्सो sent to this person, from such and such ID, and it tells you that if it was manually run or not. Okay, na? That
that is also pretty interesting. So guys, if you have a lot of data, okay, lot of rows, sometimes what happens is autocrat might stop sending. ठीक है ना, you will get an error here saying too many service invocations or something like that. ठीक है ना, ये red में यहाँ पे आ जाता है. Simply delete those remarks there, and you can go to add-ons again, autocrat, and इसको ओपन करके आप उसको रन कर सकते हो. ठीक है, सो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग द आईडीज, सॉरी द सर्टिफिकेट्स. सो आई कैन ओपन वन ऑफ द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हियर. दिस फॉर अ 10 मिनट जॉब आई थिंक इज प्रिटी डीसेंट. ठीक है ना, आई हैव टू स्पेंड अबाउट 10 टू 15 मिनट्स टू क्रिएट दिस फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक दिस आउटपुट is definitely worth it. ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोगों को अपना अपना processes में ये चीज को आप लोग कैसे implement करोगे. ठीक है, any questions on this? ये देखो सबको चला गया. ठीक है, so also guys, just to let you all know, CUIT Box has created its own version of AutoCrat, from where you can also send out WhatsApp. ये तो अभी mail में गया है. ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये WhatsApp में भी चला जाए, ठीक है, get in touch with my team. ठीक है, we can create something this amazing and give you a lot more functionality with it. Yashwant, you want to say something? Yes, sir. मेरा सर क्वेश्चन था कि ये जैसे कि अगर हम पार्टी या क्लाइंट्स को भेजते हैं, जैसे आपने बोला था इनवॉइस बिल, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी का ना डिफरेंट आइटम होगा, डिफरेंट क्वांटिटी होगी, तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं? 100% आप यूज कर सकते हैं. क्यों नहीं? फॉर एग्जाम्पल सर, मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 क्लाइंट है, ठीक है सर, और उनको हमें भेजना है, पर आइटम जैसे हम बॉडी में यहाँ पे मैंने अभी देखा कि सबको सेम लिख रहे हैं कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट, पर जब हम क्लाइंट को भेजेंगे उनका डिफरेंट डिफरेंट इनवॉइस नंबर होगा, डिफरेंट वो होगा, तो वो चीज हम कैसे करेंगे? ओके, आई विल गिव यू अ ब्रॉड एग्जांपल एंड आई होप यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. So give me a moment. So have a look at this. So guys, this is one of our projects for which we actually got paid. ठीक है ना? Look at this. This is a psychometric test report. ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि the person has basically taken a test, and the test का जो results हैं, ठीक है? वो results को हम एक और worksheet से pick करके यहाँ पे ऐसे हमने ये देखिए, ये आपने एक्सेल में गूगल शीट में बनाया. ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने उनका नेम डाल दिया, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सबमिशन डेट, ये सब तो आई एम श्योर यू गाइस कैन इजीली फिगर आउट. ठीक है, रेस्ट यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में दिस पर्सन नेम टोटल स्कोर इज ओके. अभी मैंने इसमें क्या किया है, इसके पीछे मैं एक सेकंड के लिए इसको डिलीट कर रहा हूं. ये देखिए, आई हैव बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर बी, दीज आर बेसिकली ऑल कॉलम टैग्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम टैग्स. ठीक है ना, वो सारा मैंने वहां पे फेच कर लिया था, और उसके बाद इसके ऊपर हमने ये एक टेम्पलेट डाल दिया था. दिस इज बेसिकली अ ग्राफ.
ठीक है, अलॉन्ग विद दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्कोर, ठीक है, दीज वर ऑल इंटेलिजेंटली यू नो डॉक्यूमेंटेड इन सेपरेट सेपरेट कॉलम्स, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट्स है, सी ऑल ऑफ दैट हैज बीन पुट इनटू वेरियस क्वाड्रेंट्स, ठीक है, विद द टैग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम. तो उस हिसाब से दिस एंटायर थिंग विल लुक लाइक एज इफ समबडी हैज सैट डाउन एंड हैज क्रिएटेड दिस टेम्पलेट जस्ट फॉर दैट पर्सन. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन लेट्स से अभिषेक बोस फॉर टेकिंग द लर्निंग असेसमेंट ब्ला ब्ला ब्ला. इसके अंदर ऑल्सो यू नो सी वी कैन पुट वेरियस यू नो टैग्स. तो ये सेम ही तरीका से आप लोग जैसे मान लो आपका जो पीओ टेम्पलेट्स है, ठीक है ना, यू कैन यूज वी लुकअप्स, यू कैन यूज क्वेरी फंक्शंस, यू कैन यूज मल्टीपल अदर थिंग्स, यू कैन यूज इवन फॉर्मूलास, ठीक है, वो सारा जब एक बार में वो फिल हो जाएगा उसके बाद आप उसका पीडीएफ बना लो, ठीक है, और उसको पीडीएफ बनाने के बाद यू कैन गो अहेड एंड शेयर इट. इफ नॉट ओके समटाइम्स ऑल्सो यू नो व्हाट हैपेंस इज कि पीडीएफ जैसे before the PDF is made, the thing sometimes tends to fire it. ठीक है, उसके लिए I am actually I have another you know add-on that I want to show you guys called yet another mail merge. उसमें आप ये कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि जब तक ये एक पर्टिकुलर कॉलम फिल नहीं हो तब तक वो मेल आगे ना भेजे. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू शो यू दैट एज वेल. बट यशवंत ये बताओ कि इससे आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है? यस सर. ठीक है ना, तो आप इसको एक्सेल में एक बार आपका टैग आ जाए उसके बेसिस पे, उस क्लाइंट के बेसिस पे, एक क्लाइंट का नाम आ गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे आप मान लो कि जस्ट मैंने क्लाइंट नाम पुल इन कर लिया, तो उनका यहाँ पे मान लो कि जीएसटी नंबर है, ठीक है, तो जीएसटी नंबर पे आप यहाँ पे वीलुकअप लगा दो, ठीक है, तो आपका जो क्लाइंट का लिस्ट आएगा उसका क्लाइंट का लिस्ट से वीलुकअप करके यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएगा, जो भी रिलेटेड डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद बेस्ड ऑन द SKUs यू कैन, ओके सो दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट यू कैन राइट मे बी अ फिल्टर फंक्शन टू बेसिकली समराइज यू नो ऑल द यू नो SKUs टुगेदर एंड अगेन विद द SKUs यू कैन राइट अ VLOOKUP टू फेच द डेट्स एंड पुल इन द क्वांटिटीज दैट इज रिक्वायर्ड विच यू हैव प्रॉबली गॉटन फ्रॉम द फॉर्म इटसेल्फ. देन वंस यू हैव द रेट एंड द क्वांटिटी इन अनदर कॉलम यू कैन मल्टीप्लाई द अमाउंट्स एंड यू कैन basically take a sum of all the amounts, multiply the GST percentage, whatever it is, create the PDF like that. So pretty much, you know, एक बार आप ये data flow समझ जाओगे ना, pretty much sky is the limit. Yes, sir. Thank you, sir. Sure. So ये हो गया. One question more. बता. Sure. जैसे कि आप, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हम mail send करते हैं एडसोन के थ्रू, तो सर इनकी मेल की लिमिट होती है कि नहीं, अनलिमिटेड कर सकते हैं? नहीं, मेल के लिमिट होते हैं इफ यू आर ऑन जी स्वीट व्हिच इज बेसिकली द पेड अकाउंट, द लिमिट इज 1500, ठीक है. इफ यू आर ऑन अ लेगेसी और इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल जीमेल, आई थिंक द डेली लिमिट इज, इफ आई एम नॉट, वन सेकंड, सो ये देखिए, दीज आर बेसिकली योर लिमिट्स, ठीक है ना, आप ये वाला इस पे आप स्टडी कर सकते हैं कितना लिमिट्स है, लेगेसी में कितना लिमिट है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप इसको एक बार गूगल कर लीजिए. जनरली देर आर लिमिट्स. ओके सर, थैंक यू सर. दे हैव अपडेटेड इट, इनिशियली इट वाज 1500, नाउ दे हैव अपडेटेड इट. I'll read through this when I'm probably not training. Okay. Hello. Yes, sir. मुझे एक क्वेश्चन था. सर, जैसे अभी आपने बताया था कि ये ऑटोक्रेट के थ्रू हम लाइक फॉर्मूलाज लगा के भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो सर मतलब कैसे, लाइक पहले आपने फॉर्मूलाज लाइक गूगल शीट में सारे एक फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, उसके बाद सर उसका पीडीएफ बना दिया क्या? तो सर ये फॉर्मूलाज वर्क करें क्या पीडीएफ में? लाइक हाँ, देखो
एक बार हमने अभी अभी आप ये मान के चलो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने प्रॉपर में फॉर्मूला डाल दिया था, यस सर, ठीक है, सारा आपका ये फिर नेम इसके हिसाब से आ गया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट एज पीडीएफ, तो ये प्रॉपर का तो नाम आ जाएगा मेरे पास। ये देखो इसको अगर मैं पोर्ट्रेट पे जाके, ये तो सर ठीक है, बट सर ऑटोक्रेट में आप लाइक कौन सा वो लेते हैं? ऑटोक्रेट में वो लाइक शीट का आप लेंगे लिंक? अगर आपको फॉर्मूलाज यूज करना है तो आप गूगल शीट में ही कर पाओगे, नहीं स्लाइड में तो नहीं कर पाओगे। ओके, हाँ यही सर पूछना था। ओके, नो, वो देखो वो तो है, यस ठीक है ना। स्लाइड में मतलब बेसिकली यू कैन रिप्रेजेंट डेटा एज इज, और यहाँ पे जैसे मैंने किया, आई हैव यूज्ड बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज एंड स्लाइड्स हियर। यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर नेम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया आपको, ये तो एक फॉर्मूला से ही आ रहा है, फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है। बट अगर आप ये मान के चलो कि इसके साथ अगर और भी मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड यू नो कुछ चीज रहता, जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, टिपिकली जो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा तब आपको फिर वहीं पे जाना पड़ेगा और वहीं से ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनने के बाद यू नो ये आगे ये जाएगा। ये देखो मैं एक बार आपको एक पूरा, लेट मी सी इफ आई हैव अ, या हैव अ लुक एट दिस। सो दिस इज हाउ द प्रीवियस यू नो जो गूगल शीट मैंने आपको दिखा रहा था ना, yes, तो ये देखो ये ऐसे ऐसे बन के आ जाता है। ओके ओके, यस सर, यस सर, ठीक है, आप समझ लो। हाँ, yes, जैसे इन्फॉर्मेशन आ जाता है ग्राफ अपडेट हो जाएगा, ग्राफ जैसे ही अपडेट हो जाता है इसके साथ साथ ये ऐसे सारा ट्रेड्स वगैरह ये फिल होके ऐसे आ जाएगा। यस सर, अमेजिंग लग रहा है सर, बट यस, सो यू नो देखो इसको बनाने में मेरे को काफी टाइम लगा था, सारा चीज उसको अलाइन करना, वो सारा चीज थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार बन जाएगा ना बंदा को, आप बस गूगल फॉर्म का लिंक भेज दो, यस सर, दैट पर्सन विल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है ना, इमीडिएटली वो गूगल फॉर्म भरेगा एंड यू नो इंस्टेंट उसके पास रिजल्ट आएगा ऐसे। तो लाइक आई सेड यू नो 30-50% आप बस ये एड ऑन्स यूज करके ही आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। थैंक यू सर, श्योर श्योर। अच्छा, तो somebody wanted to share your screen, you had some questions once. Whoever wanted to share your screen, do you still want to share your screen? Do you still have a doubt? Was it Abhay? Was it you? No sir, मैं तो अच्छा मैंने किसी को बोला था ना, उनका उनका ये फॉर्मूल में प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई ऑप्शन ब्लैंक आ रहा था। यस यस, चैट में सर किसी ने बोला था शायद। नो, हेलो, यस प्लीज, यस प्लीज, यस सर, सर मैं सर लिंसी, यस, इज योर नेम लिंसी? आई एम सॉरी, इट सेज लिंसी, सो आई एम स्क्रीन शेयर करता हूं। हां, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल अलाउ यू टू शेयर। या यू कैन शेयर नाउ। So guys, I will close the day with just one more add-on today, which is yet another mail merge. I have found it extremely useful because it lets you send emails from aliases as well. Theek hai na? Those of you who need to stick around for that, please do, because I have found that incredibly useful for people who are using you know old legacy G Suites, or let's say even within your paid Google domains. You do not want to expose your email ID, ठीक है ना? You want to send out, let's say, you know, some emailers, ठीक है? उससे you do not want to expose your email ID. You want to send it from, let's say, sales or training or blah 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 at you know your organization.com or .in, ठीक है? तो I'll quickly show you another this thing and then maybe we can close for the day or take any questions. Okay, so all right. Yes, sir. Date हो गया। सर, बेसिकली ये जो मेरा सेकंड टाइम डेट का क्वेश्चन है ना, हाँ? तो सर ये जो डेट है वो मैंने यहाँ पे शीट पे है, बट ये ना ब्लैंक शो कर रहा है मेरे टेम्पलेट में।
तो आप यहाँ पे मेरे को साइड में दिखाओ, ये जो एड मर्ज टैग्स है यहाँ पे डेट कहाँ पे लिखा हुआ है दिखाओ मेरे को। ओके सर, सर ये रहा बेसिकली सर, ये पहले बुकिंग डेट लिखा था, फिर मैंने सोचा बुकिंग शायद ये वर्ड पिक ना कर रहा हूँ इसलिए फिर मैंने इसे डेट कर दिया, बट उससे भी सर ये ब्लैंक इशू आ रहा है। ये चीज एक बार देखो, ये डेट के पहले आप जहाँ पे डेट लिखे हो ना, मेरे को लग रहा है कि एक स्पेस है, लेस देन और टू लेस देन साइन स्पेस एंड देन डेट, आप बॉडी में देखो। हाँ उसके बाद देखो, रेज कर रहा हूँ ठीक है, मैंने दोबारा इसे डेट पिक कर लिया बट फिर भी शायद ये नहीं रहा सर। Let's look at the conditions. What conditions you have set? अभी initially जब आपने जो condition set किए थे ना? Yes sir. Conditions एक बार cancel करो इसको. Okay sir. Sir basically मैंने condition set किया था कि जब भी यहाँ पे मैंने not null लगा रहा है, airway bill number है जो मेरा, अगर ये not null हो तो मेरा third template फिर run कर जाएगा। ठीक है, okay. So let me request for remote access to your system. Don't worry, I'm not going to change anything. Okay, so now, yes sir, so these emails have already been sent, yes sir, है ना? तो इसको मैं एक बार डिलीट कर सकता हूँ, just to check कि if mail should go out, because these emails have already gone. Sir, ये three emails already gone. हाँ, तो आप एक dummy record create कर सकते हैं, उसमें हम check कर सकते हैं कि see because these emails have already gone. Okay. There is no way to know कि ये email क्यों नहीं जा रहा है। Okay, ठीक है, तो एक बार हम ऐसे कर लेते हैं, आप एक डमी डेटा इसमें डाल दो, आप okay, उसमें भले ही आपका आईडी डाल दो हर जगह, so that all the emails go to you alone, and let's check that this should not be a problem, this should go, your settings look okay. Okay sir, मैं एक डमी एंट्री कर देता हूँ। सर फॉर्म के थ्रू करते हैं या यहीं शीट से कर दो? यहाँ शीट में भी डायरेक्ट कर सकते हो, फिर यू हैव टू बेसिकली रन इट मैनुअली। यस सर, सो यू कैन कॉपी रो 17 एंड पेस्ट इट, तो ए से लेके कॉपी करो बेसिकली। सर फिर मेरे को मेल्स भी वहां पर से मेल्स आईडी चेंज करनी होगी सर, वरना वो मेल्स। अच्छा नहीं तो नहीं, रिक्वेस्टर ईमेल आईडी जो है वहां पे सब अपना नाम डाल दो ना, okay, या फिर यू हैव पुट सम सीसीज आल्सो। मेरे को मेल सेंड करने का है, आप यहीं से देख लो, ये हिडन टेम्पलेट खोल लो, हिडन टेम्पलेट, हाँ क्लोज कर दो इसको, जो भी टेम्पलेट आपको भेजना है। सर ये सर टेम्पलेट, एक बार के लिए अगर आप चाहो तो ये जो सीसी है, सीसी से एक बार नाम हटा दो। ओके सर, टू और सीसी में अपना ही नाम डाल दो, इसको याद रखना, मतलब यू शुड बी पुटिंग इन योर नेम, मतलब राइट नाउ पुट इन योर नेम, यू शुड बी रिवर्टिंग टू द ओरिजिनल दिस थिंग। ठीक है, अभी जस्ट कॉपी द लास्ट रो मे बी एंड चेक। नहीं नहीं ये क्यों कर रहे हो आप, इससे तो बेसिकली हम इसे इस थर्ड टेम्पलेट को तो रन कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, आप वही ट्राई करने वाले हो, ठीक है करो करो इसको एड ऑन्स। यस सर, प्रीव्यू एंड सेंड ऑल। वहां पे प्रीव्यू एंड सेंड ऑल था, तो यू कुड हैव यूज्ड दैट, बट यू कैन गो लाइक दिस आल्सो। ओके सर, ओके, सेव एंड प्रीव्यू। अभी नहीं नहीं, इट्स दैट्स ओके, सेव एंड प्रीव्यू दैट्स ओके। अभी रो है ना, रो पे नहीं नहीं, वन सेकंड, रो पे दैट 1 2 3 था, यू कुड हैव चेक रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में भी। रो नंबर 3 सर, ओ नहीं, दिस विल बी रो नंबर 79 सर। ये देखिए, अब आप टेम्पलेट में देखिए सर, इसने बेसिकली कोरियर एजेंसी पिक किया, एयरवे बिल नंबर, राइट डेट ही पिक नहीं कर रहा, इट इज नॉट पिकिंग द डेट, इज इट? यस सर, डेट का टैग पिक नहीं कर रहा है मतलब। यस सर, यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है बेसिकली, ये भी पिक कर रहा है सर, बट यही डेट में इसे प्रॉब्लम है। लेट मी हैव अ लुक, आई एम जस्ट गोना कैंसिल दिस। सर ये सर डेट के आगे स्पेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मेरे को भी तो वही दिख रहा है, तो बट यू नो व्हेनेवर ही सर यहाँ पे, हां यहाँ पे भी स्पेस ही है,
इन्होंने सर यहाँ पे चेंज भी ना, किया ना नेम। हाँ स्पेस है सर। पहले ये बुकिंग डेट था, तो मैंने हाँ गूगल फॉर्म में से चेंज के से डेट कर दिया, फिर भी ये पिक नहीं कर रहा। आई एम लुकिंग एट योर गूगल फॉर्म वंस। ओके ओके सर। सर शिपर एंड सेंडर। ओके सर। थर्ड सेक्शन सर। यस सर। यही वाला ना? यस सर। बट यहाँ पे स्पेस है क्या? अच्छा यहाँ पे भी स्पेस है। एक बार एक चीज ट्राई करते हैं, ठीक है? यहाँ से भी स्पेस रिमूव कर रहे हैं, तो वहां से भी स्पेस रिमूव हो जाएगा। नॉट श्योर इफ दिस इज द रीजन। तो यहाँ से इट शुड हैव ऑटोमेटिकली रिमूव द स्पेस एंड नाउ वी विल गो टू द टैग। यहाँ से भी लेट्स रिमूव दिस स्पेस हियर। ओके सर। सही से फिर से रन करें। वन सेकंड, ये वाला था आपका। हाँ चलो इसको रन, थर्ड वाला ना। हाँ इसको मैं ऐसे करूँ क्या? ये फॉर्म मिलते हैं यहीं से सर। प्रीव्यू एंड सेंड ऑल यहीं से कर लेते हैं। ठीक सर। So you know when you change something in the form, you have to be very careful. Maybe you had changed it here first and then you changed it in the form, or somewhere you must have gone wrong. तुम directly अपने hidden template में भी change कर सकते हो वो space. आप कर सकते हो, but you have to be super careful. You have to really know what you're doing. Okay, thank you, sir. ठीक है ना? अच्छा number of errors यहाँ पे एक आ रहा है, you're welcome. Will show error, no recipient. हाँ ठीक है, तो recipient नहीं है तो okay, it's the second one. तो बस उसको बस undo कर लेना. Okay, sir. Everything else should be okay. All right. And sir, one question. Sir, जो हमारे templates हैं basically formulas के अंदर, तो templates तो जो उनके format होते हैं वो already मतलब क्या हम उनके फिर format change कर सकते हैं italic bold या फिर जो भी text format? उसके लिए ना यू कैन देखो वी हैव क्रिएटेड टूल्स थ्रू विच यू कैन यूज HTML टैग्स, ठीक है ना? बट आई एम नॉट श्योर इफ इन फॉर्म्यूल इट विल अलाउ दैट. आप एक बार स्टॉप शेयर कर दो, आई एम गिविंग अप कंट्रोल, लेट मी चेक. फॉर्म्यूल में भी आई थिंक इट विल अलाउ यू सम HTML टैग्स एज वेल. अदरवाइज सी द बेटर ऑप्शन इज आप ऑटोक्रैट यूज कर लो. ऑटोक्रैट में गूगल डॉक में जैसे yes, भी आपको चाहिए आप वैसे बना लो. yes, और उसमें टैग्स डाल दो और फिर वो पीडीएफ बना के देगा ना, मेल पे नहीं जाएगा. हाँ ये बात है. यस सर. लेट मी सी वंस अगेन. आई थिंक देयर वाज एन एचटीएमएल टैग ऑप्शन. आई डोंट रिमेंबर. हम इसमें कोई इमेज भी इंसर्ट नहीं कर पाते विदाउट यूजिंग गूगल डॉक. Come to CUIT box. We have all of that options. ये अच्छा, this is already HTML friendly. ठीक है ना? तो आप use कर सकते हो HTML tags को आप देख के. I use this. So you can use it. आप एक बार try करके देखो. Okay sir. ये सारा options आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे भी है. यस सर. ओके डोकी. ओके गाइस, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. आई होप यू गाइस कैन गिव मी अ लिटिल मोर टाइम जस्ट टू क्विकली टेल यू ऑल व्हाट दिस येट अनदर मेल मर्ज डज. ओके सो आई एम गोइंग टू गो टू, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू टेक यू टू द येट अनदर मेल मर्ज एंड गोइंग टू गो टू कॉन्फिगर. ठीक है? So the reason why I'm showing you yet another mail merge, okay, is not because, you know, it is superior to formula or anything like that, but because of this functionality of being able to send emails from aliases as well.
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेरी सिमिलर बट येट अनदर मेल मर्ज हैज इट्स लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टेम्पलेट्स यू नो यू कैन क्रिएट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना। वो एक ही टेम्पलेट एक बार में आप क्रिएट कर सकते हो एंड दैट टेम्पलेट एक्चुअली हैज टू बी इन योर ड्राफ्ट, ठीक है, इन योर मेल्स ड्राफ्ट यू हैव टू कीप दैट टेम्पलेट, और टेम्पलेट में यू कैन यूज द सेम टैग्स लाइक वी यूज इन फॉर्म्यूल एंड ऑटोक्रैट, ठीक है, एंड इट विल सेंड इट। बट ये देखो यहाँ पे जो ईमेल टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, आई हैव मल्टीपल यू नो ड्राफ्ट्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली माई क्विक यू नो टेम्पलेट्स। समबडी सेंड्स मी लाइक इनवॉइस सेइंग अभिषेक इज दिस वर्क डन, आई इमीडिएटली क्लिक ऑन इनवॉइस कन्फर्मेशन एंड से दैट सेज दैट दिस वर्क इज डन, प्लीज गो अहेड एंड यू नो इनवॉइस इट। सो यू बेसिकली नीड टू क्रिएट टेम्पलेट्स लाइक ड्राफ्ट्स लाइक दिस। क्रिएटिंग ड्राफ्ट्स इज वेरी सिंपल, जस्ट ओपन अ कंपोज मैसेज एंड टाइप योर ड्राफ्ट एंड जस्ट यू नो क्लोज इट, इट विल ऑटोमेटिकली सेव इट एज ड्राफ्ट। देन वॉट एवर सब्जेक्ट इज देयर, दैट सब्जेक्ट विल शो अप हियर, ठीक है। इसमें द रीजन लाइक आई वाज सेइंग, यहाँ पे लेट मी से टेक सेंडर्स नेम, रिसिपिएंट कॉलम यू हैव टू मेंशन विच रिसिपिएंट कॉलम, आई नीड टू सेव दिस, क्लिक ऑन ओके। इसमें देखो दिस विल ऑल्सो क्रिएट इट्स ओन यू नो मर्ज स्टेटस कॉलम, ठीक है, जहां पे ये बताता है कि मेल हैज बीन सेंट और नॉट। द ब्यूटी ऑफ येट अनदर मेल मर्ज इज इट ऑल्सो टेल्स यू इफ द मेल हैज बीन ओपेंड, इफ द मेल हैज बीन रिप्लाइड टू, यू नो इफ द लिंक्स इन द मेल हैज बीन क्लिक्ड ऑन। सो यू नो दोज थिंग्स यू नो आर देयर एज एडिशनल ऑप्शंस इन येट अनदर मेल मर्ज। तो ये आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव बीन टेकिंग यू थ्रू द एंटायरिटी ऑफ इट। So, okay, because I have sent multiple emails from this particular file today, for some reason, yet another mail merge thinks that I have used its quota and, you know, it is not letting me send it. But what I can show you is maybe that video is available in their help. Or wait, I had also saved that video for you guys so that I don't have to hunt for it. Guys, I'm putting this in the chat and I'll also show you here. I'll take you to the bits and pieces of the video that can help you. So I was talking to you all about creating a draft. ठीक है ना, ये देखो इसने ड्राफ्ट ऐसे क्रिएट करके रखा है, ठीक है ना, वेर दे हैव पुट दिस फ्लावर ब्रैकेट्स। यू कैन ऑल्सो यूज द लेस देन ग्रेटर देन साइन, दैट विल ऑल्सो वर्क हियर, बट सिंस द लेस देन ग्रेटर देन साइन नो कॉन्फ्लिक्ट विद एचटीएमएल टैग्स, यूजिंग फ्लावर ब्रैकेट्स इज अ बेटर ऑप्शन। एंड आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल इन ऑटोक्रैट एंड फॉर्म्यूल, बट एटलीस्ट इन येट अनदर मेल मर्ज यू कैन यूज दिस टू curly braces, two open curly braces and two close curly braces for defining your tags, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड ये देखो ये सेंडर्स नेम है, ठीक है, सेंडर्स नेम पे आपका नाम चूज कर सकते हो, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे चूज कर सकते हो, ये जो एलियस पे है ये एलियस पे क्लिक करके आपका आईडी चूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ईमेल सेंड स्टेटस है ना, ये सेंड स्टेटस as and when the emails are opened, theek hai, it will show you and this happens in real time. So that is definitely one good feature of yet another mail merge, theek hai na, jaise jaise log usko kholenge waise waise aapko pata chalega. If it bounces, it lets you know. The reason why it is important is if you are sending out a campaign, an email campaign, theek hai, obviously you know you would want to know what is the open rate, what is the click through rates,
यू नो सो ये सारा चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस ईमेल्स वर ओपन्ड एंड सी इट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट विच ईमेल्स वर एक्चुअली क्लिक्ड थ्रू इन साइड, लाइक देर आर लिंक्स हियर इफ इट वॉज क्लिक्ड थ्रू. और उसके साथ वेन दिस पर्सन दिस द सेंडर रेस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर ईमेल दैट ऑल्सो गेट्स डॉक्यूमेंटेड राइट हियर. सो इट इज दिस पर्टिकुलर एड ऑन अगेन इज डेफिनेटली यू नो वर्थ एक्सप्लोरिंग. सो आई विल एंड माई सेशन हियर टूडे. आई एम अ लिटिल यू नो ओवर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम फॉर टूडे. But I hope, you know, this particular session was useful for all of you. And if you did find it useful, please do consider, you know, subscribing to, you know, the YouTube channel. That is Sanjeev Sir's channel. We have a lot more content on the YouTube channel. And I would love it if you guys left me a comment. So, you know, whenever you guys get this video will be live by tomorrow morning. So we would love for you guys to, you know, comment on the video. Any way you like. So any other questions right now? I am officially, you know, done. If you guys need me to help you with anything else, I can help you. Sir, isse related question tha mera. Batao. Sir, ye iski conditions kya rehti hain? Like isme bhi time trigger hai ya form trigger hai ya fir sir wo yes, sir? Yes. Isme kafi sara matlab. So in terms of conditions, na? Yes, sir. Dekho, main batata hu. ये तो wait this for this I'll have to go pro but I'll show you. इसमें basically एक ही condition को आप अपनी तरीका से इसको use कर सकते हो. यहाँ पे wait until a specific column is filled before sending the email. ठीक है ना. yes, यहाँ पे आप अपना खुद का एक एरे फॉर्मूला बना के इफ फंक्शन वगैरह डाल के यहाँ पे बना लो. ठीक है, तो जो भी आपका खुद का लॉजिक रहेगा उस लॉजिक के हिसाब से आप उसको ट्रू फॉल्स या वन जीरो या सेंड और डोंट सेंड ऐसे करके यस नो ऐसे करके कुछ आप एक कॉलम बना लो. और जैसे ही वो कॉलम में कुछ डेटा आएगा वो तब भी इसको भेजेगा. सर ये सेम टाइम में मतलब मेल फ्लो कर देता है, जैसे ही वो सेल लाइक अपडेट हुआ वैसे ही एक मेल फ्लो जाएगा लाइक सेम टाइम. I am not 100% sure on that. ये चीज आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जनरली हो जाता है, जनरली ये हो जाता है. ओके ओके सर ओके. ठीक है ना, जनरली क्या होता है ना कि एक बार जब भी नया फॉर्म आ जाता है ना तो यहाँ पे तो 100% वो प्रीवियस वाला उसको भी चेक करता है. Okay. उस हिसाब से वो कर लेता है. बट आई एम नॉट इवन सेइंग दैट यू नो दिस इज अ बेटर टूल देन फॉर्म्यूल. फॉर्म्यूल आई कैन ओपनली से इज अ वे बेटर टूल देन येट अनदर मेल मर्ज. ओके, बिकॉज ऑफ इट्स यू नो कैपेबिलिटीज एंड इट्स फंक्शनैलिटीज एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज फ्री राइट. यस, अप टू 50 यूजर्स ओनली, अप 50 ईमेल्स पर डे इज फ्री. ठीक है, तो आप एक एक जगह में दो जन को सीसी कर दोगे तो वो तीन का कोटा खा जाएगा. यस सर, ये भी ठीक है ना. बट द थिंग इज पीपल हु वुड लाइक टू सेंड आउट स्टफ फ्रॉम अलियासेस, यस सर, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. आल्सो इफ यू पे फॉर द फुल वर्जन ऑफ दिस यू कैन यूज इट. ओके सर. वैसे तो एक और क्वेश्चन था मेरा, बट ये सर इनसे रिलेटेड नहीं है. तो अभी आप मतलब और भी लोग हैं जिनके क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो, कोई पूछ नहीं रहा है तो आप पूछो ना. ओके सर. सर एक्चुअली मेरी एक रिक्वायरमेंट थी जिस मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक सो नाउ दैट वी आर ऑफिशियली यू नो डन एंड टुडे इज अ सैटरडे आई कैन अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ यू नो पुट माय हैट डाउन. मेरे दोस्त ने एक मतलब एक कहावत मेरे को सुनाया था, वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड दोज ऑफ यू हु आर स्टिकिंग अराउंड हियर आई बिलीव दैट यू गाइस आर द मोस्ट सीरियस बंच एंड दैट्स and you guys want to learn and that's one reason why I also feel very comfortable sharing with you. He said something like jisne ki sharam uski phuti karam, jisne ki sharam uski phuti karam, jisne ki behai usne khai dudh malai, right? So why are you worried? Also one of my previous bosses, yes sir, said something like
अभिषेक वाई आर यू गोइंग एंड फॉलोइंग अप विद दिस पर्सन. आई सेड सर आई हैव आल्सो मतलब आई हैव ऑलरेडी फॉलोड अप विद हिम 3-4 टाइम्स. अभी सर यू नो आई फील आई एम डिस्टर्बिंग हिम. सो ही सेड इज द वर्क योर्स और इज द वर्क हिज. आई सेड सर माय वर्क. सो देन ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू वरीड अबाउट व्हाट ही इज गोइंग टू फील. If the work is yours, you need the work done, then do not worry about what the other person is listening. If it is his job to answer, he will have to answer. And if it is your job to get it done, and if primarily if it's your job, then push as hard as you need to push. And especially in the Indian context, I think it is super important. Yes, sir. Ye problem mere saath hai. Aap push karo. Ye problem is with a lot of people. And typically with people who, you know, deal with, you know, data, we are the sorts, you know, who are basically, jo kya bolte hai na, disk test mein, you know, our S is very yes. strong. Yes, sir. Theek hai na? So, you know, we like to follow processes, we like to follow protocols and everything else. But isme eventually problem kya hota hai ki, you know, somewhere, you know, we are pushed on the back seat. We once in a while, we have to keep telling people that, boss, we are also important. Okay. So go ahead and establish yourself. Yeah. Trust me, the people who are here, we are an intelligent bunch of people and we deserve that. We absolutely deserve that. Okay. So, हाँ सर बेसिकली एक मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मुझे आपसे सजेशन लेना था. सर जैसे अगर मैंने कोई शीट क्रिएट की और उसका डेटा फॉर्म के थ्रू आ रहा है बट सर मुझे एक कंडीशन ये देनी है कि जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है उसको मुझे कुछ डेटा भी प्रोवाइड करना है जिससे सर वो कंपेयर करके लाइक नेक्स्ट स्टेप पे वो फॉर्म फिल कर पाए. सर इसके लिए आपसे सजेशन चाहिए था कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये. आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिल्ड फॉर्म लिंक? प्रीफिल्ड फॉर्म लिंक हाँ यस सर मुझे आइडिया है. सो योर डेटा द पर्सन व्हेन द पर्सन इज फिलिंग द फॉर्म Yes, sir. Okay. Should get the data already import ranged or queried from your database. Yes, sir. You are also creating the data which you need to give to the person based on a logic and mm-hmm. or a list. Yes, sir. Yes, sir. A slice of that list needs to be given to that person so that whenever the person is filling a form, yes, okay, sir. That person should be using a pre-filled form link which is associated with those options. Okay. So that those informations are already filled in inside the form. Yes, sir. And when you are getting that information, you also have those data already in your that row. Yes, sir. And the rest of the information that you're getting from that person is simply getting enriched in the rest of the columns. ओके बट सर इसमें एक और मुझे चाहिए था लाइक एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर उस पर्सन ने कोई एक स्पेसिफिक आईडी चूज की तो उसी आईडी का सर डेटा आना चाहिए लाइक डायनेमिक होना चाहिए. तो ये भी पॉसिबल है क्या सर? हाँ तो उसी आईडी के अगेंस्ट जो जो डेटा आना चाहिए उसको हाँ, आप वही कॉलम्स में डाल दो ना. हाँ वो सर व्हेन द पर्सन क्लिक्स ऑन द प्रीफिल्ड फॉर्म लिंक यस सर दोस डेटा दैट इज एसोसिएटेड विद दैट आईडी आल्सो गेट्स filled in the form. तो सर इसके लिए मतलब पर्सन को फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा फिर वेट करना पड़ेगा मेल का उसके थ्रू जब नहीं ऐसा नहीं. When the person is see instead of giving the person a blank form link, ठीक है, you are going to give the person a Google sheet. Okay. Where before he fills the form he has to look through the options where all the options matches. He has to click the pre-filled link of that particular row. Yes, sir. Okay. Okay, na? So you are basically, let's say you have 5 different options. Okay. Mm-hmm. So the person will have 5 different pre-filled links. Okay. Awesome. Or let's say you have 50 different options. The person should be able to use filters in their columns, okay, mm-hmm. and filter out that particular data against which he is trying to send you a query. And then the way of sending that query is basically going to be through a prefilled form link. Clicks on the prefilled form link. It is exactly that very specific question.
ये तो सर कर सकता हूँ, बट सर मेन पर्पस यही था कि शीट के थ्रू नहीं, मतलब उनके पास सिर्फ एक फॉर्म हो और उसके थ्रू सारा बेसिकली वर्क होना चाहिए। शीट का तो नो, सो यू कैन गिव देम अ लिस्ट, हाँ ठीक ये है सर ना? कर सकते हैं कि हाँ, यू कैन गिव हाँ इंस्टेड ऑफ, सो राइट नाउ ऑल्सो हाउ आर दे गेटिंग द फॉर्म लिंक? दे आर गेटिंग द फॉर्म लिंक, यू नो, बिकॉज दे आर सेव्ड इट समवेयर, राइट? दे आर बुक यस मार्क्ड इट सर और समथिंग. जी इंस्टेड ऑफ, यू नो, दैट फॉर्म लिंक, यू फर्स्ट टेल देम, यू ओपन अ गूगल शीट फर्स्ट, गूगल और शीट गूगल यस शीट में ऐसे आप चूज कर लो कि आपको कौन सा ऑप्शन के कॉलम अगेंस्ट, यस हाँ, जी ये करना है. तो आपको वैसा करना पड़ेगा, वरना यू नो दिस प्रोसेस विल कीप गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, एंड यू बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम. सो यू हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट. यस सर मैं ट्राई करूंगा यस ओके थैंक हेलो यू यस शुभम, यू हैव सर अ क्वेश्चन? एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? हेलो जसवंत, यू हैव अ क्वेश्चन? सर मेरा ना एक कोर्स पर है ना मुझे ना जैसे इंपोर्ट रेंज में ना इंटरनल एरर आती है तो उसका कोई सलूशन इंपोर्ट बता रेंज में सकते इंटरनल एरर जनरली इसलिए आता है क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप इंपोर्ट रेंज के साथ क्वेरी फंक्शन लगा लो, ठीक है? क्वेरी फंक्शन में क्या होगा, यू शुड बी एबल टू फिल्टर इन ओनली दैट डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस व्हिच इज रिक्वायर्ड. ऑल्सो जब आप इंपोर्ट रेंज लिखोगे ना, इंपोर्ट रेंज में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा जो यूआरएल है, ठीक है, ये पूरा यूआरएल को ही हम ले लेते हैं. प्लीज ट्राई एंड यू ठीक नो यूज ओनली दिस मच इन योर इंपोर्ट रेंजेस, ओनली द फाइल आईडी. सो दैट ओके ऑल्सो मेक्स अ सर डिफरेंस, ठीक है? ओके सर थैंक यू सर और क्वेरी फंक्शन के लिए इफ यू डू यू नो हाउ टू यूज द क्वेरी फंक्शन? आई नो सर आप लोग के लिए मैं ना एक लाइला घरानी का एक वीडियो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, वन सेकेंड. हाँ ओके, सो आई हैव पुट इन द लिंक हियर. ओके, दिस क्वेरी फंक्शन, अगेन गाइस, दोज ऑफ यू हु हैव नॉट वॉच्ड और दोज ऑफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज क्वेरी फंक्शन, इट कैन बी इनक्रेडिबली पावरफुल, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्ट रेंज आपका रहेगा ना, वो इम्पोर्ट रेंज आप ये जगह में आप डालोगे, डेटा के जगह में, ठीक है? और उसके बाद देर इज अ बेसिकली अ क्वेरी लैंग्वेज, इज एन एसक्यूएल बेस्ड लैंग्वेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न सिक्वेंशियली, लाइक यू नो शी इज यू नो टीचिंग यू हियर. इसके साथ यू कैन रियली यू नो डू यू नो वंडर्स. मैंने क्वेरी के ऊपर तो यहाँ पे एम आई एस सैटरडे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट नीड्स अ लॉट मोर टाइम. आई कवर क्वेरी इन माई यू नो डीएमई वर्कशॉप. सो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द डीएमई वर्कशॉप एंड यू नो फिगर दैट बिट आउट. और एल्स इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ एंड अंडरस्टैंड वॉट द क्वेरी फंक्शन इज, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो. It will sort of start you on a whole different, you know, journey of learning. So this you would need to understand. Any other questions? Shivam, do you have a question? Your hand is raised. Okay. If not, then guys, thank you so much. And yeah, have a good weekend. Bye bye. I hope you all like the session. Most welcome, Abhay. Most welcome, everybody else. Glad I could help. You're welcome. You're welcome, Vishwan. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye, guys. Have a good weekend. Welcome, Manish. Bye-bye.